हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप लोग को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कौन सी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बता दें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान की मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है वीर। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीर मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस फिल्म को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे साल 2010 में, और दोस्तों ये मूवी जब रिलीज हुआ था तो फिल्म को क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला था, और दोस्तों ये मूवी हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, और इस मूवी ने लाइफ टाइम में कितनी कमाई किया, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है, और फिल्म के राइटर कौन थे। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, और आपको ये मूवी देखना है तो ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी भी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं वीर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों वीर मूवी साल 2010 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य एक्शन फिल्म है, जो सलमान खान की कहानी पर अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है। इसी के साथ दोस्तों बता दें इसमें सलमान खान, उनकिला मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, जरीन खान, सुहेल खान और इस फिल्म में ऋषभ जैन अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए थे 2010 में। इसी के साथ दोस्तों बात करें वीर फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी 20 साल पहले सलमान खान ने लिखी थी, जिन्होंने इसे अपना जो है ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया था सलमान खान ने। इसी के साथ दोस्तों उस समय सलमान खान ने फिल्म का निर्देशन स्वयं करने और संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की कोशिश की थी। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के अंदर संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की योजना बनाई थी। इसके बाद दोस्तों वीर आंशिक रूप से निकोलाई गोगेल के रूप में उपन्यास जो है तराश बोलबा पर भी आधारित है बताया जाता है, और इसी तरह दोस्तों वीर की भूमिका के लिए सलमान खान ने एक विशेष आहार लिया और एक निजी जो प्रशिक्षक के साथ जो है कसरत की थी फिल्म के लिए। इसी तरह दोस्तों बताया गया कि 19वीं सदी की राजकुमारी की भूमिका के लिए जरीन खान ने 8 किलो अतिरिक्त वजन भी बढ़ाया था फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसी तरह दोस्तों वीर फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी 1 दिसंबर 2008 को शुरू हुई थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को मूल रूप से पुणे के इंजीनियरिंग
कॉलेज और कृषि कॉलेज में शूट किया गया था। लेकिन दोस्तों बता दें स्वाइन फ्लू के प्रकोप के कारण जो है स्थानों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसकी वजह से अन्य लोकेशंस पर शूटिंग जयपुर और उसके अलावा बीकानेर में हुई थी। जयपुर के आमेर किले में यहां पे शूट किया गया था, जिसकी वजह से लोकेशन शूटिंग भी बाधित हुई और जब जो है कई दर्शक जो है घायल हो गए, तब यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्मांकन रोकने का आदेश दिया। इसी तरह दोस्तों फिल्म क्रूर पर किले को नुकसान पहुंचाने की कई जो है संरचना कानूनों का उल्लंघन करने और यहां पे संरचना की 500 साल जो पुरानी छत को जो है ढहाने का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों अनिल शर्मा के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। क्रूर ने रुपए का भुगतान करने के बाद अपनी शूटिंग पूरी की, जो 2 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद दोस्तों बता दे रोचेस्टर कैसल, हर बार जो है जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मुझे अपना जो है स्वर्ग दिखता है, ये डायलॉग्स काफी शानदार है। इसी नामक एक संगीत जो है अनुक्रम की पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया गया था, जिसमें एक घोड़ा और गाड़ी दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों बता दे चैथम जो है यहाँ पे डोक्यार्ट ने यूके नृत्य के साथ जो है अनुक्रमों में उपयोग किए जाने वाले कई जो है एंसेंबल शॉट्स के साथ साथ वह स्थान भी प्रदान किया गया जहाँ वीर पहली बार युवराजी यशोधरा से मिलते हैं। 23 जनवरी 2010 को बताते लेखक जो है पवन चौधरी ने खान अनिल शर्मा और निर्माता विजय कुमार के साथ जो है गलानी के खिलाफ 2 मिलियन का मुकदमा आरोप लगाया था कि फिल्म ने उनके उपन्यास जो है यहाँ पे ट्री लॉन्जी ऑफ जो है बीज डॉम तत्व उधार लिया है, जिसकी वजह से मुकदमे में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की गई थी। जी हाँ दोस्तों 2010 में। इसी तरह दोस्तों बताया गया है बीर का ट्रेलर 27 नवंबर 2009 को प्रिया दर्शन की फिल्म दे दना दन की स्क्रीनिंग पर जारी की गई थी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की आम तौर पर जो समीक्षकों द्वारा निंदा किया गया था, निंदा ये की गई थी कि तरण आदर्श ने फिल्म के लेखन और निर्देशन की आलोचना करते हुए इसे भारी निराशा बताया था। इसी तरह दोस्तों CNN IBN के राजीव मंसद ने सलमान खान के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सहायक कलाकारों के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे सराहना के लिए एक संभव फिल्म कहा। इसके बाद दोस्तों गौरव ने भी इसको रिव्यू किया। गौरव मलानी ने कहानी को औसत बताते हुए सलमान खान के अभिनय की सराहना की। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को OL.com की तरफ से नोयोन ज्योति परसारा ने भी सलमान खान की प्रशंसा की, लेकिन कहा था कि कुल मिलाकर वीर के अपने जो है फायदे हैं। लेखक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी खुद की बात यही कि ये एक बहुत ही औसत फिल्म तक ही सीमित है और इसमें जो कुछ भी नया नहीं है और ये केवल इसे धीमा बनाता है। इसी तरह दोस्तों अमेरिकी आलोचक के बीच फिल्म जो है जर्नल इंटरनेशनल के फ्रैंक लेवेस ने इसे जो उच्चतम स्तर का हुकुम कहा। पिछले कई भारतीय आयातों के सबसे जो है उत्साहपूर्ण संगीत दृश्यों के साथ जो है विरामित के रूप में आनंद लिया था, ये बताया गया। और दोस्तों फिल्म के कई ऐतिहासिक और यहाँ पे कलानुक्रमिक जो है यहाँ पे प्रांतियों को विश्लेषण करने के बाद कहा, जहाँ पे स्टेट साइड के बारे में हम बात कर ले तो स्टेट साइड जो है बॉलीवुड आधुनिक जो है समय के संगीत में रोमांस है, फिर जो स्टाइलिश जो है क्राइम थ्रिलर के अधिक जो है आदि प्रशंसकों को एक पीरियड पीस पाकर जो है यहाँ पे सुखद आश्चर्य होगा, जो एक पैसेज टू इंडिया की तुलना में जेना वॉरियर के साथ जो है प्रेजेंस से अधिक होता है, बताया गया। इसके बाद दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि इरोज के अनुसार बीर ने भारत में अपने पहले हफ्ते में 410 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई किया। बीर ने भारत में जीवन काल में 375.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया, कुल मिलाकर 497.5 मिलियन रुपए की कमाई की और ये 2010 में घरेलू स्तर पर 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। बीर की दुनिया भर में कुल कमाई बताया जाता है 585.8 मिलियन, जो US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो काफी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह दोस्तों बता दे राजपूत युवा यानी कि संगठन करनी सेना ने बीर की कड़ी आलोचना की और बता दे कि आरोप लगाया था कि संवाद के कुछ हिस्से राजपूत जो है समुदाय के लिए अपमानजनक और यहां पे आपत्तिजनक है, जिसकी वजह से समूह के सदस्यों ने जयपुर में कई जो है मल्टीप्लेक्स पर हमला किया, जिसके बाद दोस्तों पोस्टर तोड़ दिए गए और यहाँ पे खिड़कियां तोड़ दी गई। अनिल शर्मा ने जवाब दिया था कि ये एक जो है गलत फहमी थी और राजपूत जो है समुदाय के प्रति कोई भी अपमान का इरादा नहीं था फिल्म को बनाते समय। आइए दोस्तों अब यहाँ से बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों कहानी 1875 में बीर प्रताप सिंह यानी कि सलमान खान एक
पिंडारी राजकुमार और उनके अलावा यहाँ पे महान जो पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह है जो मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र है जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए अपनी महान लड़ाइयों के लिए जाने जाते थे। वीर माधव गंध के राजस्थानी जो साम्राज्य और शेष भारत को महान जो है अपनी वैश्विक शक्ति से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पे पिंडारियों के आंदोलन का नेतृत्व करके अपने पिता की विरासत को जारी रखना चाहते हैं। वीर को सेना जो है इकट्ठा करने में अपने छोटे भाई पुण्य सिंह यानी कि सुहेल खान की मदद मिलती है। हालांकि वीर को यहाँ पे माधवगढ़ के राजा ज्ञानेंद्र सिंह के साथ जो है जैकी श्रॉफ के विरोध का सामना करना पड़ता है जो वीर को माधवगढ़ और उसके अलावा यहाँ पे शासन के लिए खतरे के रूप में दिखाया गया है फिल्म के अंदर और वीर को मारने का आदेश देते हैं राजा। वीर और पुण्य अपने जो है समर्थकों के साथ राजस्थान के थार रेगिस्तान में छिप जाते हैं और जबकि सिंह यानी कि राजस्थान के ब्रिटिश जो है गवर्नर जेम्स फ्रेजर टीम जेम्स के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ जो गठबंधन करते हैं और कहते हैं कि माधवगढ़ पिंडारी को यहां पे कुचलने में अंग्रेजों का समर्थन करेगा जो आंदोलन और वीर को खत्म करना है। इसके बाद दोस्तों बता दें दाव को ऊंचा रखने के लिए पिंडारी सिंह की बेटी राजकुमारी यशोधा यानी कि जरीन खान का अपहरण कर लेते हैं जिससे वीर खुद को जो है प्यार करने लगता है। फिर पिंडारियों ने अचानक जो है सिंह के महल को गिराने का असफल प्रयास किया। हालांकि सिंह के जासूसों को योजना का पता चल जाता है और इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। पता चलने के बाद हजारों पिंडारी योद्धा मारे जाते हैं। वीर भ्रष्ट राजा से बदला लेने में विफल रहा है लेकिन जानता है कि यहाँ पे पुणे को यशोधरा के भाई जो है गजेंद्र पुरुराज कुमार ने पकड़ लिया है। जैसे ही वीर अपने भाई को बचाने और गजेंद्र के आदमियों को मारने के लिए दौड़ता है उसके बाद वीरधारा यहाँ पे गजेंद्र को मार दिया जाता है अचानक से। जहाँ पे ज्ञानेंद्र ने यहाँ पे अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई। इस बीच दोस्तों जेम्स फ्रेजर की पत्नी जो है लेडी एंजेला फ्रेजर यानी कि लिसा लाजर के साथ अपने पति के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू कर देती है क्योंकि वह पिंडारी आंदोलन के सदस्यों को मारने में दुष्ट राजा का समर्थन करता है। इसके बाद दोस्तों बता दें फ्रेजर ने आंदोलन को कुचलने के अपने अभिनय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आगे लिखा गया है जब वीर ने अपने पिता से वादा किया था कि वह सिंह को नष्ट कर देगा तो वह यहाँ पे यशोधरा के यहाँ पे शव यौवन में प्रवेश कर लेता है। जैसे ही वह राजकुमारी को किले से दूर लेकर जाता है तो देखने को मिलता है ज्ञानेंद्र सिंह अपने किले के चारों ओर जो है पिंडारियों की एक विशाल सेना देखते हैं। वह अंग्रेजों से उसकी मदद करने के लिए कहता है लेकिन वह इनकार कर देते हैं और यहाँ पे माधवगढ़ से भागने के लिए यहाँ पे पिंडारी को अपना सहयोगी बना लेते हैं। अंग्रेजों के जाने से पहले एक लड़ाई होती है जिसमें गवर्नर जो है फ्रेजर और ज्ञानेंद्र सिंह मारे जाते हैं। गोली लगने से घायल वीर अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। वर्षों बाद वीर के बेटे यानी कि वीरा सलमान खान और पृथ्वी के बीच जो है क्रेडिट रोल के दौरान एक दोस्ताना साझा होते हुए दिखाया जाता है फिल्म के अंत में। तो दोस्तों ये कहानी वीर फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलता है जिसे साल 2010 में रिलीज किया गया था। 2010 में रिलीज हुआ और ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। कहानी 1985 के दशक में पिंडारियों योद्धा और कबीले के एक देशभक्ति वीर जो है प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जो है प्रेम कहानी पूरी कर सके उसे अपनी जो मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इस चीज के लिए रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अब इस बात पर दोस्तों किसी को कोई जो शक नहीं है कि सलमान खान एक कुलीन वीर है क्योंकि दबे हुए अतीत से एक जो है विस्फोटक उठकर उसे एक ऐसे युग में प्रस्तुत करने के लिए बहुत जो है साहस की आवश्यकता होती है। जब हर कोई बॉलीवुड में एक बिल्कुल नई कहानी बताने के लिए यहाँ पे कृति संकल्प करता है तब बेशक दोस्तों बता दे लगान और यहाँ पे जोधा अकबर जैसी फिल्में जो यहाँ पे नौ सिख या दर्शकों को भी यहाँ पे प्रभावित करने में कामयाब रही लेकिन वह नियम के अपवाद की तरह थी। जब दोस्तों बता दे आधुनिक जो है भारतीय सिनेमा के बारे में हम बात कर ले तो भारतीय सिनेमा गीत और यहाँ पे साहित्य के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे साहित्य की बात ये है कि कुल मिलाकर यहाँ पे षड्यंत्रकारी जो है
ब्रितानियों और उनकी भारत जो है यहाँ पे हड़पने की कहानी को रचना तक जो है डिब्बे तक ही सीमित कर दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर ले तो TNN अपडेट ने 11 में से इस मूवी को 2016 में अच्छा रेटिंग किया था और कहानी के बारे में लिखा है कि 1950 के दशक में पिंडारी योद्धा कबीले के एक देशभक्त वीर को प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रेम कहानी पूरी कर सके उसे अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी जो है दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों अब इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है कि सलमान खान एक योद्धा के रूप में फिल्म में अभिनय करते हैं और रियल लाइफ में भी एक योद्धा की तरह सलमान खान दिखते हैं। इसी तरह दोस्तों इसलिए सलमान खान की वीर का महत्व यह है जो कि एक तरह के सिनेमा का जश्न मनाती है जो जल्द ही देसी फिल्म विद्या से विलुप्त हो सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसे नायक का प्रदर्शन करने का साहस नहीं करेगा जो अपने जो है प्रतिद्वंदी के शरीर से पांच जो है शेर भूत पांच उनके अलावा दोस्तों बता दें किलोग्राम मांस को पंजे से काट ले। यहाँ तक दोस्तों यहाँ पे अत्यंत प्रसन्न के साथ उसकी आंतों को बाहर निकाल दे। ये हमारे वीर की कुछ छोटी मोटी यानी कि शैतानी हरकतें हैं जिनमें टूटे हुए पैर के साथ जो है नृत्य करना, तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में ब्रोच करना जैसा है और यहाँ पे उछलना हाथ और मिलाते समय हाथ जो है खींचना जैसा है। इसी तरह दोस्तों केवल जो है मुट्ठी और यहाँ पे तलवार से पूरी सेना को खत्म करने की प्रतिज्ञा करना शामिल है। आपको बता दें लेकिन है आप एक बड़े से बड़े जो है चरित्र के साथ क्या कर सकते हैं ये भी दिखाया गया। जब उसके पास उसके लिए कोई जो है बड़ा से बड़ा कारण नहीं बताया गया है तो जब वो यानी कि अशांत समय में 1857 में कोई जो है बहाना ढूंढने की सख्त यानी कि कोशिश कर रहा होता है तो आप बस उसकी जो है अराजकता बकवास के दौरान उसका जो है अनुसरण करते हैं। हम वास्तव में कभी नहीं जान पाते हैं कि ये जो है बहादुर पिंडारी योद्धा वास्तव में क्या चाहता है और क्या यानी कि धोखेबाज राजा जयकिश श्रॉफ के हाथों अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती के अपमान का बदला लेना चाहता है या नहीं, जिसने अपनी भूमिका के योद्धा अपनी भूमि के योद्धा जो है जनजाति को धोखा दिया था। क्या वह आत्मघाती ब्रिटिश राजा का अंत करना चाहते हैं या क्या वह बस यानी कि उस खूबसूरत जो है राजकुमारी जरीन खान के साथ गाना और डांस करना चाहते हैं जो उसके दुश्मन की बेटी है। ये कहानी में आपको थोड़ा सा उलझन पैदा जरूर होता है लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिल्म के अंदर एक अच्छी कहानी थी जिसकी वजह से ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये मूवी सलमान खान की थी जिसकी वजह से ये मूवी इतना ठीक ठाक कमाई कर पाया क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी खास नहीं थी बताया गया है। इसी तरह दोस्तों एक महान नायक का बेटा नायक यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का बेटा बड़ा होता है और अपने पिता के नक्श कदम पर चलने का प्रयास करता है भले ही यह रास्ता कितना भी आपत्तिजनक और यहाँ पे रक्ति पिपासु क्यों ना हो। यह मानक जो है बॉलीवुड घिसी पिटी बात को लेकर आया लेकिन दोस्तों बदला दे हमारे सबसे प्रतिष्ठित पद का था लेखकों में से एक सलीम खान के बेटे सलमान खान से बेहतर जो यहाँ पे श्रद्धांजलि के पात्र है जिन्हें फिल्म की कहानी के लिए श्रेय दिया जाता है जो इस अविश्वसनीय अवधि की अपदा का मंथन करती है। निर्देशक यानी कि अनिल शर्मा को कभी भी उनकी जो है यहाँ पे सुक्षमता के लिए नहीं जाना जाता है और यहाँ जो है दर्द भरी यहाँ पे मेलोड्रामेटिक जो है स्क्रिप्ट में अपने दांते गड़ाते हुए एक के बाद एक जो है यहाँ पे एक के बाद एक जो है मेगा बजट की जो है गलतियाँ करते हुए हथौरे और यहाँ पे चिमेर से काम करता है। इसी तरह दोस्तों बतला दें 19वीं सदी में यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है स्थापित ये एक योद्धा कबीले के साथ जो है पिंडार युग की कहानी है जो एक जो है भाड़े का सैनिक है जो राजस्थान के माधवगढ़ के राजा के कट्टर जो है दुश्मन बन जाता है क्योंकि बाद में राजा ने उन्हें धोखा दिया था और एक पूर्ण पिंडारी के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया था। यह सब वीर के पहले कुछ जो है मिनटों में होता है जहां मिथुन का पिंडारी जो है सर यानी कि सार्जेट जो है प्रस्ताव में ही किंग यानी कि जयकिश श्रॉफ का हाथ काट दिया जाता है। इसलिए दोस्तों जब जो है आपको एहसास होता है कि ये एक शोर शराबे से भरा हुआ जो है राक्षसी होने वाला है तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि दीवार से दीवार तक जो है कार्रवाई ऐसा भाग्य नहीं है। मिथुन के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन के घर एक बेटे का जन्म हुआ फिल्म में और वह बच्चे को यहाँ पे स्पार्टन की तरह जो है सख्त बनाना चाहते हुए उसे जो है बारिश में ले जाते हैं।
ये लड़का बड़ा होकर वीर बनता है, जिसका अर्थ है कि घोड़े पर सवार सलमान खान यानी कि जनजातीय योद्धाओं की तरह ही कपड़े पहने हुए जो है यानी कि आई लाइनर के साथ जो है चमकते हुए दिखाई देते, जो कि पैंट के अलावा काउबॉय जूते और एक जो है पोंचो पहने हुए दिखाई देते हैं। और ये एक अच्छा हिस्सा था फिल्म में। आपको जल्द ही इसका एहसास होता है कि जब आप जो है असहाय होकर बैठ जाते हैं तो फिल्म आपकी जो है संवेदनाओं को नष्ट कर देती है। सलमान को एक गोरी राजकुमारी से प्यार हो जाता है। वह पढ़ाई के लिए यहाँ पे इंग्लैंड चला जाता है, जहाँ पे DDLJ करने के लिए वापस आता है और उसका हाथ जीत लेता है। जाहिर तौर पर बिना ज़्यादा खून बहाए जो है जानबूझकर कम से कम जो है काम किया जाता है। और इस सब के बीच में एक जो है संगीत में ब्रोच और उनके अलावा भयानक जो अंग्रेजी मेलाक्री से भरा हुआ एक गीत है, जो आँखों और दिल और आत्माओं के बारे में कुछ जो है बकवास है, जो कि यहाँ पे इच्छा अनुसार हम पर हमला करता है। और दोस्तों बता दें यहाँ पे छह जो है छिटपुट रूप से और भी सुखद रूप से काम करता है इस फिल्म के अंदर, जहाँ दोस्तों हमें देखने को मिला है। पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो पहला भाग फिल्म का आश्चर्यजनक है, क्योंकि बैंड में तोड़ने के माध्यम से सजा देने की यहाँ पे कुख्यात प्राणी पर आधारित है, और जो कि एक छोटे हुए यानी कि भरे अंग्रेजी बनाकर जो उन्हें तोड़ने के रणनीति के प्रयास का एक संक्षिप्त उल्लेख है, लेकिन सब ठीक लगता है इस फिल्म के अंदर कहानी भी। इसी तरह दोस्तों इस फिल्म की अवधि को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने के लिए विशेष रूप से फिल्म के कॉस्ट्यूमर अन्ना सिंह की ओर भी आलोचना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सलमान जो है सफ़ेद जो है निपैड के साथ फीकी जो है नारंगी जींस पहने हुए हैं, और यहाँ पे दोस्तों बख्तर बन जो है ब्रेस्ट प्ले के साथ जो अक्षर जो है रबर से बने होते हैं, जो पहनने वाले हाफ और यहाँ पे पफ के रूप में आकार जो है बदलता है। जाहिर तौर पर कुछ भी यानी कि हो सकता है। फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई गई है और आप जो है सेकेंडो अतिरिक्त जो है कलाकारों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कोई यानी कि मायने नहीं रखता है, और वह सब कुछ जो है यहाँ पे सलमान ही करते हैं, जो इस फिल्म को आगे बढ़ावा देने के लिए अपने संवेदनशील जो है ब्रेड के साथ जो स्टार व्यक्तित्व के हर जो है अंश को यहाँ पे भुनाते हैं, जहाँ पे उसका श्रेय जाता है। और कम से कम दोस्तों बता दें पहले घंटे के लिए पसंद करने योग्य है, जो कि यहाँ पे अधिकांश से अधिक हो सकता है। ये इतनी जो है पुरानी फिल्म है कि दुख होता है कि कल्पना जो है कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मनमोहन देसाई के यहाँ पे अत्याचारी मर्द की, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टर जो है देसाई या फिर मिस्टर यानी कि बच्चन को छोड़कर हाँ वह बुरा है, लेकिन बेशक आपको बतला दें संभावित जो है रूप से क्लासिक जो है ड्रिंकिंग गेम के रूप में शायद ये यानी कि योग्यताएँ वीर को बॉक्स ऑफिस पर हिट का दर्जा सुनिश्चित करेंगी। लेकिन दोस्तों अगर ये फिल्म जो है सफल होती तो हम सभी को थोड़ा जो है चिंतित होना चाहिए था, क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी ज्यादा खास नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिर भी ये मूवी 2010 में रिलीज हुई 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन चक्रवर्ती है, सुहेल खान है जो वीर के छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं सुहेल खान, और दोस्तों जैकी श्रॉफ को अब एक जो है यहाँ पे सुनहरी बाह में लिपटे हुए दिखाया गया, जो एक जो है यहाँ पे कार्ड जज में जो है गुलशन ग्रोवर की याद दिलाता है, जो किसी अज्ञात कारण से विज्ञापन जो है पुरुष और उनके अलावा सामयिक अभिनेता भरत जो है ढाबोलकर मिथुन के सन में यहाँ पे संवाद तहिन जो है यानी कि चमकते हुए दिखाया गया। फिर दोस्तों जरीन खान है जो कि यहाँ पे इमिरेटस की एक जो है मजबूत यहाँ पे परिचारिका की तरह दिखती है, जो वीर की पसंद को पकड़ती और यहाँ पे मुंह बनाने की कोशिश करती हुई घूमती हुई दिखाई देती है। जबकि नीना गुप्ता जो वीर की मां का किरदार निभाती है उनको देखने लायक है फिल्म में, क्योंकि मिथुन पर इतनी मोहित हो जाती है कि ये जोड़ी खुशी से झूमते हुए पिंडारी दर्शकों से प्यार करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म को, जिसका नाम है वीर। तो दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, और आपको ये मूवी देखना है तो ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी जानकारी भी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा,
ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं बीर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों, बीर मूवी साल 2010 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य एक्शन फिल्म है, जो सलमान खान की कहानी पर अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, इसमें सलमान खान, उनकिला मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, जरीन खान, सुहेल खान और इस फिल्म में ऋषभ जैन अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए थे 2010 में। इसी के साथ दोस्तों बात करें बीर फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी 20 साल पहले सलमान खान ने लिखी थी, जिन्होंने इसे अपना जो है ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया था सलमान खान ने। इसी के साथ दोस्तों उस समय सलमान खान ने फिल्म का निर्देशन स्वयं करने और संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के अंदर संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की योजना बनाई थी। इसके बाद दोस्तों बीर आंशिक रूप से निकोलाई गोगेल के रूप में उपन्यास जो है तराश बोलबा पर भी आधारित है बताया जाता है। और इसी तरह दोस्तों बीर की भूमिका के लिए सलमान खान ने एक विशेष आहार लिया और एक निजी जो प्रशिक्षक के साथ जो है कसरत की थी फिल्म के लिए। इसी तरह दोस्तों बताया गया कि 19वीं सदी की राजकुमारी की भूमिका के लिए जरीन खान ने 8 किलो अतिरिक्त वजन भी बढ़ाया था फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसी तरह दोस्तों बीर फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर ले, तो दोस्तों इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी 1 दिसंबर 2008 को शुरू हुई थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को मूल रूप से पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज में शूट किया गया था, लेकिन दोस्तों बता दें स्वाइन फ्लू के प्रकोप के कारण जो है स्थानों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसके वजह से अन्य लोकेशंस पर शूटिंग जयपुर और उसके अलावा बीकानेर में हुई थी। जयपुर के आमेर किले में यहां पे शूट किया गया था, जिसकी वजह से लोकेशन शूटिंग भी बाधित हुई और जब जो है कई दर्शक जो है घायल हो गए, तब यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्मांकन रोकने का आदेश दिया। इसी तरह दोस्तों फिल्म क्रू पर किले को नुकसान पहुंचाने की कई जो है संरचना कानूनों का उल्लंघन करने और यहां पे संरचना की 500 साल जो पुरानी छत को जो है ढहाने का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों अनिल शर्मा के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। क्रू ने रुपए का भुगतान करने के बाद अपनी शूटिंग पूरी की, जो 2 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद दोस्तों बतला दे रोचेस्टर कैसल, हर बार जो है जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपना जो है स्वर्ग दिखता है, ये डायलॉग्स काफी शानदार है। इसी नामक एक संगीत जो है अनुक्रम की पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया गया था, जिसमें एक घोड़ा और गाड़ी दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों बता दें चैथम जो है यहाँ पे डोकियार्ट ने यूके नृत्य के साथ जो है अनुक्रमों में उपयोग किए जाने वाले कई जो है एंसेंबल शॉट्स के साथ साथ वह स्थान भी प्रदान किया गया, जहाँ बीर पहली बार युवराजी यशोधरा से मिलते हैं। 23 जनवरी 2010 को बताते लेखक जो है पवन चौधरी ने खान, अनिल शर्मा और निर्माता विजय कुमार के साथ जो है गलानी के खिलाफ 2 मिलियन का मुकदमा आरोप लगाया था कि फिल्म ने उनके उपन्यास जो है यहाँ पे ट्री लॉन्जी ऑफ जो है बीज डॉम तत्व उधार लिया है, जिसकी वजह से मुकदमे में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की गई थी। जी हाँ दोस्तों 2010 में। इसी तरह दोस्तों बताया गया है बीर का ट्रेलर 27 नवंबर 2009 को प्रियदर्शन की फिल्म दे दना दन की स्क्रीनिंग पर जारी की गई थी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की आम तौर पर जो समीक्षकों द्वारा निंदा की गई थी कि तरण आदर्श ने फिल्म के लेखन और निर्देशन की आलोचना करते हुए इसे भारी निराशा बताया था। इसी तरह दोस्तों CNN IBN के राजीव मंसद ने सलमान खान के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सहायक कलाकारों के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे सराहना के लिए एक संभव फिल्म कहा। इसके बाद दोस्तों गौरव ने भी इसको रिव्यू किया। गौरव मलानी ने कहानी को औसत बताते हुए सलमान खान के अभिनय की सराहना की। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को OL.com की तरफ से नोयोन ज्योति परसारा ने भी सलमान खान की प्रशंसा की, लेकिन कहा था कि कुल मिलाकर बीर के अपने जो है फायदे हैं। लेखक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी खुद की बात यही कि ये एक बहुत ही औसत फिल्म तक ही सीमित है और इसमें जो कुछ भी नया नहीं है और ये केवल इसे धीमा बनाता है। इसी तरह दोस्तों अमेरिकी आलोचक के बीच फिल्म जो है जर्नल इंटरनेशनल के फ्रैंक लेविस ने इसे जो उच्चतम स्तर का हुकुम कहा। पिछले कई भारतीय आयातों के सबसे जो है उत्साहपूर्ण संगीत दृश्यों के साथ जो है विरामित के रूप में आनंद लिया था, ये बताया गया। और दोस्तों फिल्म के कई ऐतिहासिक और यहाँ पे कलानुक्रमिक जो है यहाँ पे प्रांतियों को विश्लेषण करने के बाद कहा, जहाँ पे स्टेट साइड के बारे में हम बात कर ले
तो ये स्टेट साइड जो है बॉलीवुड आधुनिक जो है समय के संगीत में रोमांस है, फिर जो स्टाइलिश जो है क्राइम थ्रिलर के अधिक जो है आदि प्रशंसकों को एक पीरियड पीस पाकर जो है यहाँ पे सुखद आश्चर्य होगा। जो एक है पैसेज टू इंडिया की तुलना में जेना वॉरियर के साथ जो है प्रेजेंस से अधिक होता है बताया गया। इसके बाद दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि इरोज के अनुसार बीर ने भारत में अपने पहले हफ्ते में 410 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई किया। बीर ने भारत में जीवन काल में 375.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया, कुल मिलाकर 497.5 मिलियन रुपए की कमाई की और ये 2010 में घरेलू स्तर पर 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। बीर की दुनिया भर में कुल कमाई बताया जाता है 585.8 मिलियन, जो US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह दोस्तों बता दें राजपूत युवा यानी कि संगठन करनी सेना ने बीर की कड़ी आलोचना की और बता दें कि आरोप लगाया था कि संवाद के कुछ हिस्से राजपूत जो है समुदाय के लिए अपमानजनक और यहाँ पे आपत्तिजनक है, जिसकी वजह से समूह के सदस्यों ने जयपुर में कई जो है मल्टीप्लेक्स पर हमला किया, जिसके बाद दोस्तों पोस्टर तोड़ दिए गए और यहाँ पे खिड़कियाँ तोड़ दी गई। अनिल शर्मा ने जवाब दिया था कि ये एक जो है गलतफहमी थी और राजपूत जो है समुदाय के प्रति कोई भी अपमान का इरादा नहीं था फिल्म को बनाते समय। आइए दोस्तों अब यहाँ से बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों कहानी 1875 में वीर प्रताप सिंह यानी कि सलमान खान एक पिंडारी राजकुमार और उनके अलावा यहाँ पे महान जो पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह है जो मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र है, जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए अपनी महान लड़ाइयों के लिए जाने जाते थे। वीर माधव गंध के राजस्थानी जो है साम्राज्य और शेष भारत को महान जो है औपनिवेशिक शक्ति से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पे पिंडारियों के आंदोलन का नेतृत्व करके अपने पिता की विरासत को जारी रखना चाहते हैं। वीर को सेना जो है इकट्ठा करने में अपने छोटे भाई पुण्य सिंह यानी कि सुहेल खान की मदद मिलती है। हालांकि वीर को यहाँ पे माधवगढ़ के राजा ज्ञानेंद्र सिंह के साथ जो है जैकी श्रॉफ के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो वीर को माधवगढ़ और उसके अलावा यहाँ पे शासन के लिए खतरे के रूप में दिखाया गया है फिल्म के अंदर और वीर को मारने का आदेश देते हैं राजा। वीर और पुण्य अपने जो है समर्थकों के साथ राजस्थान के थार रेगिस्तान में छिप जाते हैं और जबकि सिंह यानी कि राजस्थान के ब्रिटिश जो है गवर्नर जेम्स फ्रेजर टीम जेम्स के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ जो है गठबंधन करते हैं और कहते हैं कि माधवगढ़ पिंडारी को यहां पे कुचलने में अंग्रेजों का समर्थन करेगा, जो आंदोलन और वीर को खत्म करना है। इसके बाद दोस्तों बता दें दाव को ऊंचा रखने के लिए पिंडारी सिंह की बेटी राजकुमारी यशोधा यानी कि जरीन खान का अपहरण कर लेते हैं, जिससे वीर खुद को जो है प्यार करने लगता है। फिर पिंडारियों ने अचानक जो है सिंह के महल को गिराने का असफल प्रयास किया। हालांकि सिंह के जासूसों को योजना का पता चल जाता है और इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। पता चलने के बाद हजारों पिंडारी योद्धा मारे जाते हैं। वीर भ्रष्ट राजा से बदला लेने में विफल रहा है लेकिन जानता है कि यहाँ पे पुणे को यशोधरा के भाई जो है गजेंद्र पुरुराज कुमार ने पकड़ लिया है। जैसे ही वीर अपने भाई को बचाने और गजेंद्र के आदमियों को मारने के लिए दौड़ता है, उसके बाद वीरधारा यहाँ पे गजेंद्र को मार दिया जाता है अचानक से, जहाँ पे ज्ञानेंद्र ने यहाँ पे अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई। इस बीच दोस्तों जेम्स फ्रेजर की पत्नी जो है लेडी एंजेला फ्रेजर यानी कि लिसा लाजर के साथ अपने पति के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह पिंडारी आंदोलन के सदस्यों को मारने में दुष्ट राजा का समर्थन करता है। इसके बाद दोस्तों बता दें फ्रेजर ने आंदोलन को कुचलने के अपने अभिनय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आगे लिखा गया है जब वीर ने अपने पिता से वादा किया था कि वह सिंह को नष्ट कर देगा तो वह यहाँ पे यशोधरा के यहाँ पे शव यौवन में प्रवेश कर लेता है। जैसे ही वह राजकुमारी को किले से दूर लेकर जाता है तो देखने को मिलता है ज्ञानेंद्र सिंह अपने किले के चारों ओर जो है पिंडारियों की एक विशाल सेना देखते हैं। वह अंग्रेजों से उसकी मदद करने के लिए कहता है लेकिन वह इनकार कर देते हैं और यहाँ पे माधवगढ़ से भागने के लिए यहाँ पे पिंडारी को अपना सहयोगी बना लेते हैं। अंग्रेजों के जाने से पहले एक लड़ाई होती है जिसमें गवर्नर जो है फ्रेजर और ज्ञानेंद्र सिंह मारे जाते हैं। गोली लगने से घायल वीर अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। वर्षों बाद वीर के बेटे यानी कि वीरा सलमान खान और पृथ्वी के बीच जो है
क्रेडिट रोल के दौरान एक दोस्ताना साझा होते हुए दिखाया जाता है फिल्म के अंत में। तो दोस्तों ये कहानी बीर फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसे साल 2010 में रिलीज किया गया था। 2010 में रिलीज हुआ और ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। कहानी 1985 के दशक में पिंडारी युद्ध था और कबीले के एक देशभक्ति बीर जो है प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जो है प्रेम कहानी पूरी कर सके, उसे अपनी जो मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इस चीज के लिए रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अब इस बात पर दोस्तों किसी को कोई जो शक नहीं है कि सलमान खान एक कुलीन वीर है, क्योंकि दबे हुए अतीत से एक जो है विस्फोटक उठकर उसे एक ऐसे युग में प्रस्तुत करने के लिए बहुत जो है साहस की आवश्यकताएं होती है। जब हर कोई बॉलीवुड में एक बिल्कुल नई कहानी बताने के लिए यहाँ पे कृति संकल्प करता है, तब बेशक दोस्तों बता दे लगान और यहाँ पे जोधा अकबर जैसी फिल्में जो यहाँ पे नौ सिख या दर्शकों को भी यहाँ पे प्रभावित करने में कामयाब रही, लेकिन वह नियम के अपवाद की तरह थी। जब दोस्तों बता दे आधुनिक जो है भारतीय सिनेमा के बारे में हम बात कर ले तो भारतीय सिनेमा गीत और यहाँ पे साहित्य के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे साहित्य की बात ये है कि कुल मिलाकर यहाँ पे षड्यंत्रकारी जो है ब्रितानियों और उनकी भारत जो है यहाँ पे हड़पने की कहानी को रचनात्मक जो है डिब्बे तक ही सीमित कर दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर ले तो TNNA अपडेट ने 11 में से इस मूवी को 2016 में अच्छा रेटिंग किया था और कहानी के बारे में लिखा है कि 1950 के दशक में पिंडारी योद्धा कबीले के एक देशभक्त वीर को प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रेम कहानी पूरी कर सके, उसे अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी जो है दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों अब इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है कि सलमान खान एक योद्धा के रूप में फिल्म में अभिनय करते हैं और रियल लाइफ में भी एक योद्धा की तरह सलमान खान दिखते हैं। इसी तरह दोस्तों इसलिए सलमान खान की वीर का महत्व यह है, जो कि एक तरह के सिनेमा का जश्न मनाती है, जो जल्द ही देसी फिल्म विद्या से विलुप्त हो सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसे नायक का प्रदर्शन करने का साहस नहीं करेगा जो अपने जो है प्रतिद्वंदी के शरीर से पांच जो है शेर भूत पांच इनकिलाव दोस्तों बता दे किलोग्राम मांस को पंजे से काट ले। यहाँ तक दोस्तों यहाँ पे अत्यंत प्रश्नान के साथ उसकी आंतों को बाहर निकाल दे। ये हमारे वीर की कुछ छोटी मोटी यानी कि शैतानी हरकतें हैं, जिनमें टूटे हुए पैर के साथ जो है नृत्य करना, तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में ब्रोच करना जैसा है और यहाँ पे उछलना हाथ और मिलाते समय हाथ जो है खींचना जैसा है। इसी तरह दोस्तों केवल जो है मुट्ठी और यहाँ पे तलवार से पूरी सेना को खत्म करने की प्रतिज्ञा करना शामिल है। आपको बता दें लेकिन है आप एक बड़े से बड़े जो है चरित्र के साथ क्या कर सकते हैं, ये भी दिखाया गया। जब उसके पास उसके लिए कोई जो है बड़ा से बड़ा कारण नहीं बताया गया है, तो जब वो यानी कि अशांत समय में 1857 में कोई जो है बहाना ढूंढने की सख्त यानी कि कोशिश कर रहा होता है, तो आप बस उसकी जो है अराजकता बकवास के दौरान उसका जो है अनुसरण करते हैं। हम वास्तव में कभी नहीं जान पाते हैं कि ये जो है बहादुर पिंडारी योद्धा वास्तव में क्या चाहता है और क्या यानी कि धोखेबाज राजा जयकिश श्रॉफ के हाथों अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती के अपमान का बदला लेना चाहता है या नहीं, जिसने अपनी भूमि के योद्धा जो है जनजाति को धोखा दिया था। क्या वह आत्मघाती ब्रिटिश राजा का अंत करना चाहते हैं या क्या वह बस यानी कि उस खूबसूरत जो है राजकुमारी जरीन खान के साथ गाना और डांस करना चाहते हैं जो उसके दुश्मन की बेटी है। ये कहानी में आपको थोड़ा सा उलझन पैदा जरूर होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिल्म के अंदर एक अच्छी कहानी थी, जिसकी वजह से ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये मूवी सलमान खान की थी, जिसकी वजह से ये मूवी इतना ठीक ठाक कमाई कर पाया, क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी खास नहीं थी बताया गया है। इसी तरह दोस्तों एक महान नायक का बेटा, नायक यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का बेटा बड़ा होता है और अपने पिता के नक्श कदम पर चलने का प्रयास करता है, भले ही
यह रास्ता कितना भी आपत्तिजनक और यहाँ पे रखती पिपासु क्यों ना हो, यह मानक जो है बॉलीवुड घिसी पिटी बात को लेकर आया। लेकिन दोस्तों बतला दे, हमारे सबसे प्रतिष्ठित पद का था लेखकों में से एक सलीम खान के बेटे सलमान खान से बेहतर जो यहाँ पे श्रद्धांजलि के पात्र है, जिन्हें फिल्म की कहानी के लिए श्रेय दिया जाता है जो इस अविश्वसनीय अवधि की अपदा का मंथन करती है। निर्देशक यानी अनिल शर्मा को कभी भी उनकी जो है यहाँ पे सूक्ष्मता के लिए नहीं जाना जाता है और यहाँ जो है दर्द भरी यहाँ पे मेलोड्रामेटिक जो है स्क्रिप्ट में अपने दांते गड़ाते हुए एक के बाद एक जो है यहाँ पे एक के बाद एक जो है मेगा बजट की जो है गलतियाँ करते हुए हथौरे और यहाँ पे चिमेट से काम करता है। इसी तरह दोस्तों बतला दे 19वीं सदी में यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है स्थापित ये एक योद्धा कबीले के साथ जो है पिंडार युग की कहानी है, जो एक जो है भाड़े का सैनिक है जो राजस्थान के माधवगढ़ के राजा के कट्टर जो है दुश्मन बन जाता है, क्योंकि बाद में राजा ने उन्हें धोखा दिया था और एक पूर्ण पिंडारी के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया था। यह सब वीर के पहले कुछ जो है मिनटों में होता है, जहां मिथुन का पिंडारी जो है सर यानी कि सार्जेट जो है प्रस्ताव में ही किंग यानी कि जेके श्रॉफ का हाथ काट दिया जाता है। इसलिए दोस्तों जब जो है आपको एहसास होता है कि ये एक शोर शराबे से भरा हुआ जो है राक्षसी होने वाला है, तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि दीवार से दीवार तक जो है कार्रवाई, ऐसा भाग्य नहीं है। मिथुन के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन के घर एक बेटे का जन्म हुआ फिल्म में, और वह बच्चे को यहाँ पे स्पार्टन की तरह जो है सख्त बनाना चाहते हुए उसे जो है बारिश में ले जाते हैं। ये लड़का बड़ा होकर वीर बनता है, जिसका अर्थ है कि घोड़े पर सवार सलमान खान यानी कि जनजातीय योद्धाओं की तरह ही कपड़े पहने हुए जो है यानी कि आई लाइनर के साथ जो है चमकते हुए दिखाई देते, जो कि पैंट उनके अलावा काउबॉय जूते और एक जो है पोचो पहने हुए दिखाई देते हैं। और ये एक अच्छा हिस्सा था फिल्म में। आपको जल्द ही इसका एहसास होता है कि जब आप जो है असहाय होकर बैठ जाते हैं तो फिल्म आपकी जो है संवेदनाओं को नष्ट कर देती है। सलमान को एक गोरी राजकुमारी से प्यार हो जाता है, वह पढ़ाई के लिए यहाँ पे इंग्लैंड चला जाता है, जहाँ पे DDLJ करने के लिए वापस आता है और उसका हाथ जीत लेता है। जाहिरा तौर पर बिना ज़्यादा खून बहाए जो है जानबूझकर कम से कम जो है काम किया जाता है, और इस सब के बीच में एक जो है संगीत में ब्रोच और उनके अलावा भयानक जो अंग्रेजी मेलाक्री से भरा हुआ एक गीत है जो आँखों और दिल और आत्माओं के बारे में कुछ जो है बकवास है, जो कि यहाँ पे इच्छा अनुसार हम पर हमला करता है। और दोस्तों बतला दें यहाँ पे छंद जो है छिटपुट रूप से और भी सुखद रूप से काम करता है इस फिल्म के अंदर, जहाँ दोस्तों हमें देखने को मिला है। पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो पहला भाग फिल्म का आश्चर्यजनक है, क्योंकि बैंड में तोड़ने के माध्यम से सजा देने की यहाँ पे कुख्याता प्राणी पर आधारित है, और जो कि एक छोटे हुए यानी कि भरे अंग्रेजी बनाकर जो उन्हें तोड़ने के रणनीति के प्रयास का एक संक्षिप्त उल्लेख है, लेकिन सब ठीक लगता है इस फिल्म के अंदर कहानी भी। इसी तरह दोस्तों इस फिल्म की अवधि को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने के लिए विशेष रूप से फिल्म के कॉस्ट्यूमर अन्ना सिंह की ओर भी आलोचना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सलमान जो है सफ़ेद जो है निपैड के साथ फीकी जो है नारंगी जींस पहने हुए हैं, और यहाँ पे दोस्तों बख्तर बन जो है ब्रेस्ट प्ले के साथ जो अक्सर जो है रबर से बने होते हैं, जो पहनने वाले हाफ और यहाँ पे पफ के रूप में आकार जो है बदलता है। जाहिर तौर पर कुछ भी यानी कि हो सकता है, फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई गई है और आप जो है सेकेंडो अतिरिक्त जो है कलाकारों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कोई यानी कि मायने नहीं रखता है और वह सब कुछ जो है यहाँ पे सलमान ही करते हैं, जो इस फिल्म को आगे बढ़ावा देने के लिए अपने संवेदनशील जो है ब्रेड के साथ स्टार व्यक्तित्व के हर जो है अंश को यहाँ पे भुनाते हैं, जहाँ पे उसका श्रेय जाता है। और कम से कम दोस्तों बता दें पहले घंटे के लिए पसंद करने योग्य है, जो कि यहाँ पे अधिकांश से अधिक हो सकता है। ये इतनी जो है पुरानी फिल्म है कि दुख होता है कि कल्पना जो है कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मनमोहन देसाई के यहाँ पे अत्याचारी मर्द की, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टर जो है देसाई या फिर मिस्टर यानी कि बच्चन को छोड़कर हाँ वह बुरा है, लेकिन बेशक आपको बतला दें संभावित जो है रूप से क्लासिक जो है ड्रिंकिंग गेम के रूप में शायद ये यानी कि योग्यताएं वीर को बॉक्स ऑफिस पर हिट का दर्जा सुनिश्चित करेंगी। लेकिन दोस्तों अगर ये फिल्म जो है सफल होती तो हम सभी को थोड़ा जो है चिंतित होना चाहिए था, क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी ज़्यादा खास नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिर भी ये मूवी 2000
2010 में रिलीज हुई 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन चक्रवर्ती है, सुहेल खान है जो वीर के छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं सुहेल खान, और दोस्तों जैकी श्रॉफ को अब एक जो है यहाँ पे सुनहरी बाह में लिपटे हुए दिखाया गया, जो एक जो है यहाँ पे कार्ड जज में जो है गुलशन ग्रोवर की याद दिलाता है, जो किसी अज्ञात कारण से विज्ञापन जो है पुरुष और उनके अलावा सामयिक अभिनेता भरत जो है ढाबोलकर मिथुन के सन में यहाँ पे सनवा दहिन जो है यानी कि चमकते हुए दिखाया गया। फिर दोस्तों जरीन खान है जो कि यहाँ पे इमिरेटर्स की एक जो है मजबूत यहाँ पे परिचारिका की तरह दिखती है, जो वीर की पसंद को पकड़ती और यहाँ पे मुंह बनाने की कोशिश करती हुई घूमती हुई दिखाई देती है। जबकि नीना गुप्ता जो वीर की माँ का किरदार निभाती है उनको देखने लायक है फिल्म में, क्योंकि मिथुन पर इतनी मोहित हो जाती है कि ये जोड़ी खुशी से झूमते हुए पिंडारी दर्शकों से प्यार करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म को जिसका नाम है वीर। तो दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, और आपको ये मूवी देखना है तो ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं वीर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों वीर मूवी साल 2010 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य एक्शन फिल्म है, जो सलमान खान की कहानी पर अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है। इसी के साथ दोस्तों बता दें इसमें सलमान खान, उनकिला मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, जरीन खान, सुहेल खान और इस फिल्म में ऋषभ जैन अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए थे 2010 में। इसी के साथ दोस्तों बात करें वीर फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी 20 साल पहले सलमान खान ने लिखी थी, जिन्होंने इसे अपना जो है ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया था सलमान खान ने। इसी के साथ दोस्तों उस समय सलमान खान ने फिल्म का निर्देशन स्वयं करने और संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों इस फिल्म के अंदर संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की योजना बनाई थी। इसके बाद दोस्तों वीर आंशिक रूप से निकोलाई गोगेल के रूप में उपन्यास तराश बोलबा पर भी आधारित है बताया जाता है। और इसी तरह दोस्तों वीर की भूमिका के लिए सलमान खान ने एक विशेष आहार लिया और एक निजी जो प्रशिक्षक के साथ जो है कसरत की थी फिल्म के लिए। इसी तरह दोस्तों बताया गया कि 19वीं सदी की राजकुमारी की भूमिका के लिए जरीन खान ने 8 किलो अतिरिक्त वजन भी बढ़ाया था फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसी तरह दोस्तों वीर फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी 1 दिसंबर 2008 को शुरू हुई थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को मूल रूप से पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज में शूट किया गया था, लेकिन दोस्तों बता दें स्वाइन फ्लू के प्रकोप के कारण जो है स्थानों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया बाद में, जिसकी वजह से अन्य लोकेशन पर शूटिंग जयपुर और उसके अलावा बीकानेर में हुई थी। जयपुर के आमेर किले में यहाँ पे शूट किया गया था, जिसकी वजह से लोकेशन शूटिंग भी बाधित हुई और जब जो है कई दर्शक जो है घायल हो गए तब यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्मांकन रोकने का आदेश दिया। इसी तरह दोस्तों फिल्म क्रू पर किले को नुकसान पहुंचाने की कई जो है संरचना कानूनों का उल्लंघन करने और यहां पे संरचना की 500 साल जो पुरानी छत को जो है ढहाने का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों अनिल शर्मा के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। क्रू ने रुपए का भुगतान करने के बाद अपनी शूटिंग पूरी की, जो 2 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद दोस्तों बता दे रोचेस्टर कैसल, हर बार जो है जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपना जो है स्वर्ग दिखता है, ये डायलॉग्स काफी शानदार है। इसी नामक एक संगीत जो है अनुक्रम की पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया गया था, जिसमें एक घोड़ा और गाड़ी दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों बता दे चैथम जो है यहाँ पे डोकियार्ट ने यूके नृत्य के साथ जो है अनुक्रमों में उपयोग किए जाने वाले कई जो है एंसेंबल शॉट्स के साथ साथ वह स्थान भी प्रदान किया गया, जहाँ वीर पहली बार युवराजी यशोधरा से मिलते हैं। 23 जनवरी 2010 को बता दे लेखक जो है पवन चौधरी ने खान, अनिल शर्मा और निर्माता विजय कुमार के साथ जो है ग्लानी के खिलाफ 2 मिलियन का मुकदमा आरोप लगाया था कि
फिल्म ने उनके उपन्यास जो है यहाँ पे ट्री लॉन्जी ऑफ जो है बीज डॉम तत्व उधार लिया है, जिसकी वजह से मुकदमे में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की गई थी। जी हाँ दोस्तों 2010 में। इसी तरह दोस्तों बताया गया है बीर का ट्रेलर 27 नवंबर 2009 को प्रिया दर्शन की फिल्म दे दना दन की स्क्रीनिंग पर जारी की गई थी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की आम तौर पर जो समीक्षकों द्वारा निंदा किया गया था, निंदा ये की गई थी कि तरण आदर्श ने फिल्म के लेखन और निर्देशन की आलोचना करते हुए इसे भारी निराशा बताया था। इसी तरह दोस्तों CNN IBN के राजीव मंसद ने सलमान खान के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सहायक कलाकारों के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे सराहना के लिए एक संभव फिल्म कहा। इसके बाद दोस्तों गौरव ने भी इसको रिव्यू किया। गौरव मलानी ने कहानी को औसत बताते हुए सलमान खान के अभिनय की सराहना की। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को OL.com की तरफ से नोयोन ज्योति परसारण ने भी सलमान खान की प्रशंसा की, लेकिन कहा था कि कुल मिलाकर बीर के अपने जो है फायदे हैं। लेखक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी खुद की बात यही कि ये एक बहुत ही औसत फिल्म तक ही सीमित है और इसमें जो कुछ भी नया नहीं है और ये केवल इसे धीमा बनाता है। इसी तरह दोस्तों अमेरिकी आलोचक के बीच फिल्म जो है जर्नल इंटरनेशनल के फ्रैंक लेवेस ने इसे जो उच्चतम स्तर का हुकुम कहा। पिछले कई भारतीय आयातों के सबसे जो है उत्साहपूर्ण संगीत दृश्यों के साथ जो है विरामित के रूप में आनंद लिया था ये बताया गया। और दोस्तों फिल्म के कई ऐतिहासिक और यहाँ पे कलानुक्रमिक जो है यहाँ पे प्रांतियों को विश्लेषण करने के बाद कहा, जहाँ पे स्टेट साइड के बारे में हम बात कर ले तो स्टेट साइड जो है बॉलीवुड आधुनिक जो है समय के संगीत में रोमांस है, फिर जो स्टाइलिश जो है क्राइम थ्रिलर के अधिक जो है आदि प्रशंसकों को एक पीरियड पीस पाकर जो है यहाँ पे सुखद आश्चर्य होगा, जो एक पैसेज टू इंडिया की तुलना में जेना वॉरियर के साथ जो है प्रेजेंस से अधिक होता है बताया गया। इसके बाद दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि ईरोज के अनुसार बीर ने भारत में अपने पहले हफ्ते में 410 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई किया। बीर ने भारत में जीवन काल में 375.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया, कुल मिला के 497.5 मिलियन रुपए की कमाई की और ये 2010 में घरेलू स्तर पर 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। बीर की दुनिया भर में कुल कमाई बताया जाता है 585.8 मिलियन, जो US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह दोस्तों बताते राजपूत युवा यानी कि संगठन करनी सेना ने बीर की कड़ी आलोचना की और बता दे कि आरोप लगाया था कि संवाद के कुछ हिस्से राजपूत जो है समुदाय के लिए अपमानजनक और यहाँ पे आपत्तिजनक है, जिसकी वजह से समूह के सदस्यों ने जयपुर में कई जो है मल्टीप्लेक्स पर हमला किया, जिसके बाद दोस्तों पोस्टर तोड़ दिए गए और यहाँ पे खिड़कियाँ तोड़ दी गई। अनिल शर्मा ने जवाब दिया था कि ये एक जो है गलतफहमी थी और राजपूत जो है समुदाय के प्रति कोई भी अपमान का इरादा नहीं था फिल्म को बनाते समय। आइए दोस्तों अब यहाँ से बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों कहानी 1875 में वीर प्रताप सिंह यानी कि सलमान खान एक पिंडारी राजकुमार और उनके अलावा यहाँ पे महान जो पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह है, जो मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र है, जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए अपनी महान लड़ाइयों के लिए जाने जाते थे। वीर माधव गंद के राजस्थानी जो साम्राज्य और शेष भारत को महान जो है अपनी वैश्विक शक्ति से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पे पिंडारियों के आंदोलन का नेतृत्व करके अपने पिता की विरासत को जारी रखना चाहते हैं। वीर को सेना जो है इकट्ठा करने में अपने छोटे भाई पुण्य सिंह यानी कि सुहेल खान की मदद मिलती है। हालांकि वीर को यहाँ पे माधवगढ़ के राजा ज्ञानेंद्र सिंह के साथ जो है जैकी श्रॉफ के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो वीर को माधवगढ़ और उसके अलावा यहाँ पे शासन के लिए खतरे के रूप में दिखाया गया है फिल्म के अंदर और वीर को मारने का आदेश देते हैं राजा। वीर और पुण्य अपने जो है समर्थकों के साथ राजस्थान के थार रेगिस्तान में छिप जाते हैं और जबकि सिंह यानी कि राजस्थान के ब्रिटिश जो है गवर्नर जेम्स फ्रेजर टीम जेम्स के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ जो है गठबंधन करते हैं और कहते हैं कि माधवगढ़ पिंडारी को यहां पे कुचलने में अंग्रेजों का समर्थन करेगा, जो आंदोलन और वीर को खत्म करना है। इसके बाद दोस्तों बता दें दाव को ऊंचा रखने के लिए पिंडारी सिंह की बेटी राजकुमारी यशोधरा यानी कि जरीन खान का अपहरण कर लेते हैं, जिससे वीर खुद को जो है प्यार करने लगता है। फिर पिंडारियों ने अचानक जो है सिंह के महल को गिराने का असफल प्रयास किया। हालांकि सिंह के जासूसों को योजना का पता चल जाता है और इसके बारे में जानकारी मिल जाती है।
पता चलने के बाद हजारों पिंडारी योद्धा मारे जाते हैं। वीर भ्रष्ट राजा से बदला लेने में विफल रहा है, लेकिन जानता है कि यहाँ पे पुणे को यशोधरा के भाई जो है गजेंद्र पुरुराज कुमार ने पकड़ लिया है। जैसे ही वीर अपने भाई को बचाने और गजेंद्र के आदमियों को मारने के लिए दौड़ता है, उसके बाद वीरधारा यहाँ पे गजेंद्र को मार दिया जाता है अचानक से, जहाँ पे ज्ञानेंद्र ने यहाँ पे अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई। इस बीच दोस्तों जेम्स फ्रेजर की पत्नी जो है लेडी एंजेला फ्रेजर यानी कि लिसा लाजर के साथ अपने पति के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह पिंडारी आंदोलन के सदस्यों को मारने में दुष्ट राजा का समर्थन करता है। इसके बाद दोस्तों बता दें फ्रेजर ने आंदोलन को कुचलने के अपने अभिनय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आगे लिखा गया है, जब वीर ने अपने पिता से वादा किया था कि वह सिंह को नष्ट कर देगा तो वह यहाँ पे यशोधरा के यहाँ पे शव यौवन में प्रवेश कर लेता है। जैसे ही वह राजकुमारी को किले से दूर लेकर जाता है तो देखने को मिलता है ज्ञानेंद्र सिंह अपने किले के चारों ओर जो है पिंडारियों की एक विशाल सेना देखते हैं। वह अंग्रेजों से उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देते हैं और यहाँ पे माधवगढ़ से भागने के लिए यहाँ पे पिंडारी को अपना सहयोगी बना लेते हैं। अंग्रेजों के जाने से पहले एक लड़ाई होती है जिसमें गवर्नर जो है फ्रेजर और ज्ञानेंद्र सिंह मारे जाते हैं। गोली लगने से घायल वीर अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। वर्षों बाद वीर के बेटे यानी कि वीरा सलमान खान और पृथ्वी के बीच जो है क्रेडिट रोल के दौरान एक दोस्ताना साझा होते हुए दिखाया जाता है फिल्म के अंत में। तो दोस्तों ये कहानी वीर फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसे साल 2010 में रिलीज किया गया था, 2010 में रिलीज हुआ और ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। कहानी 1985 के दशक में पिंडारी योद्धा और कबीले के एक देशभक्ति वीर जो है प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जो है प्रेम कहानी पूरी कर सके उसे अपनी जो मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इस चीज के लिए रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अब इस बात पर दोस्तों किसी को कोई जो शक नहीं है कि सलमान खान एक कुलीन वीर है, क्योंकि दबे हुए अतीत से एक जो है विस्फोटक उठकार उसे एक ऐसे युग में प्रस्तुत करने के लिए बहुत जो है साहस की आवश्यकताएं होती है। जब हर कोई बॉलीवुड में एक बिल्कुल नई कहानी बताने के लिए यहाँ पे कृति संकल्प करता है तब बेशक दोस्तों बता दे लगान और यहाँ पे जोधा अकबर जैसी फिल्में जो यहाँ पे नौ सिख या दर्शकों को भी यहाँ पे प्रभावित करने में कामयाब रही, लेकिन वह नियम के अपवाद की तरह थी। जब दोस्तों बता दे आधुनिक जो है भारतीय सिनेमा के बारे में हम बात कर ले तो भारतीय सिनेमा गीत और यहाँ पे साहित्य के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे साहित्य की बात यह है कि कुल मिलाकर यहाँ पे षड्यंत्रकारी जो है ब्रितानियों और उनकी भारत जो है यहाँ पे हड़पने की कहानी को रचनात्मक जो है डिब्बे तक ही सीमित कर दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर ले तो TNA अपडेट ने 11 में से इस मूवी को 2016 में अच्छा रेटिंग किया था और कहानी के बारे में लिखा है कि 1950 के दशक में पिंडारी योद्धा कबीले के एक देशभक्त वीर को प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रेम कहानी पूरी कर सके उसे अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी जो है दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों अब इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है कि सलमान खान एक योद्धा के रूप में फिल्म में अभिनय करते हैं और रियल लाइफ में भी एक योद्धा की तरह सलमान खान दिखते हैं। इसी तरह दोस्तों इसलिए सलमान खान की वीर का महत्व यह है जो कि एक तरह के सिनेमा का जश्न मनाती है जो जल्द ही देसी फिल्म विद्या से विलुप्त हो सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसे नायक का प्रदर्शन करने का साहस नहीं करेगा जो अपने जो है प्रतिद्वंदी के शरीर से पांच जो है शेर भूत पांच उनके अलावा दोस्तों बता दें किलोग्राम मांस को पंजे से काट ले। यहाँ तक दोस्तों यहाँ पे अत्यंत प्रसन्न के साथ उसकी आंतों को बाहर निकाल दे। ये हमारे वीर की कुछ छोटी मोटी यानी कि शैतानी हरकतें हैं जिनमें टूटे हुए पैर के साथ जो है नृत्य करना
तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में ब्रोच करना जैसा है और यहाँ पे उछलना हाथ और मिलाते समय हाथ जो है खींचना जैसा है। इसी तरह दोस्तों केवल जो है मुट्ठी और यहाँ पे तलवार से पूरी सेना को खत्म करने की प्रतिज्ञा करना शामिल है। आपको बता दें लेकिन है आप एक बड़े से बड़े जो है चरित्र के साथ क्या कर सकते हैं ये भी दिखाया गया। जब उसके पास उसके लिए कोई जो है बड़ा से बड़ा कारण नहीं बताया गया है तो जब वो यानी कि अशांत समय में 1857 में कोई जो है बहाना ढूंढने की सख्त यानी कि कोशिश कर रहा होता है तो आप बस उसकी जो है अराजकता बकवास के दौरान उसका जो है अनुसरण करते हैं। हम वास्तव में कभी नहीं जान पाते हैं कि ये जो है बहादुर पिंडारी योद्धा वास्तव में क्या चाहता है और क्या यानी कि धोखेबाज राजा जयकिश श्रॉफ के हाथों अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती के अपमान का बदला लेना चाहता है या नहीं, जिसने अपनी भूमिका के योद्धा अपनी भूमि के योद्धा जो है जनजाति को धोखा दिया था। क्या वह आत्मघाती ब्रिटिश राजा का अंत करना चाहते हैं या क्या वह बस यानी कि उस खूबसूरत जो है राजकुमारी जरीन खान के साथ गाना और डांस करना चाहते हैं जो उसके दुश्मन की बेटी है। ये कहानी में आपको थोड़ा सा उलझन पैदा जरूर होता है लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिल्म के अंदर एक अच्छी कहानी थी जिसकी वजह से ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये मूवी सलमान खान की थी जिसकी वजह से ये मूवी इतना ठीक ठाक कमाई कर पाया क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी खास नहीं थी बताया गया है। इसी तरह दोस्तों एक महान नायक का बेटा नायक यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का बेटा बड़ा होता है और अपने पिता के नक्श कदम पर चलने का प्रयास करता है भले ही यह रास्ता कितना भी आपत्तिजनक और यहाँ पे रक्ति पिपासु क्यों ना हो। यह मानक जो है बॉलीवुड घिसी पिटी बात को लेकर आया लेकिन दोस्तों बदला दे हमारे सबसे प्रतिष्ठित पद का था लेखकों में से एक सलीम खान के बेटे सलमान खान से बेहतर जो यहाँ पे श्रद्धांजलि के पात्र है जिन्हें फिल्म की कहानी के लिए श्रेय दिया जाता है जो इस अविश्वसनीय अवधि की अपदा का मंथन करती है। निर्देशक यानी कि अनिल शर्मा को कभी भी उनकी जो है यहाँ पे सुक्षमता के लिए नहीं जाना जाता है और यहाँ जो है दर्द भरी यहाँ पे मेलोड्रामेटिक जो है स्क्रिप्ट में अपने दांते गड़ाते हुए एक के बाद एक जो है यहाँ पे एक के बाद एक जो है मेगा बजट की जो है गलतियाँ करते हुए हथौरे और यहाँ पे सीमेंट से काम करता है। इसी तरह दोस्तों बतला दें 19वीं सदी में यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो स्थापित ये एक योद्धा कबीले के साथ जो है पिंडार युग की कहानी है जो एक जो है भाड़े का सैनिक है जो राजस्थान के माधवगढ़ के राजा के कट्टर जो है दुश्मन बन जाता है क्योंकि बाद में राजा ने उन्हें धोखा दिया था और एक पूर्ण पिंडारी के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया था। यह सब वीर के पहले कुछ जो है मिनटों में होता है जहां मिथुन का पिंडारी जो है सर यानी कि सार्जेट जो है प्रस्ताव में ही किंग यानी कि जयकिश श्रॉफ का हाथ काट दिया जाता है। इसलिए दोस्तों जब जो है आपको एहसास होता है कि ये एक शोर शराबे से भरा हुआ जो है राक्षसी होने वाला है तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि दीवार से दीवार तक जो है कार्रवाई ऐसा भाग्य नहीं है। मिथुन के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन के घर एक बेटे का जन्म हुआ फिल्म में और वह बच्चे को यहाँ पे स्पार्टन की तरह जो है सख्त बनाना चाहते हुए उसे जो है बारिश में ले जाते हैं। ये लड़का बड़ा होकर वीर बनता है जिसका अर्थ है कि घोड़े पर सवार सलमान खान यानी कि जनजातीय योद्धाओं की तरह ही कपड़े पहने हुए जो है यानी कि आई लाइनर के साथ जो है चमकते हुए दिखाई देते जो कि पैंट उनके अलावा काउबॉय जूते और एक जो है पोंचो पहने हुए दिखाई देते हैं और ये एक अच्छा हिस्सा था फिल्म में। आपको जल्द ही इसका एहसास होता है कि जब आप जो है असहाय होकर बैठ जाते हैं तो फिल्म आपकी जो है संवेदनाओं को नष्ट कर देती है। सलमान को एक गोरी राजकुमारी से प्यार हो जाता है। वह पढ़ाई के लिए यहाँ पे इंग्लैंड चला जाता है जहाँ पे DDLJ करने के लिए वापस आता है और उसका हाथ जीत लेता है। जाहिर तौर पर बिना ज़्यादा खून बहाए जो है जानबूझकर कम से कम जो है काम किया जाता है और इस सब के बीच में एक जो है संगीत में ब्रोच और उनके अलावा भयानक जो अंग्रेजी मेलाक्री से भरा हुआ एक गीत है जो आंखों और दिल और आत्माओं के बारे में कुछ जो है बकवास है जो कि यहाँ पे इच्छा अनुसार हम पर हमला करता है और दोस्तों बतला दें यहाँ पे छत जो है छिटपुट रूप से और भी सुखद रूप से काम करता है इस फिल्म के अंदर जहाँ दोस्तों हमें देखने को मिला है। पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो पहला भाग फिल्म का आश्चर्यजनक है क्योंकि बैंड में तोड़ने के माध्यम से सजा देने की यहाँ पे कुख्यात प्राणी पर आधारित है और जो कि एक छोटे हुए यानी कि भरे अंग्रेजी बनाकर जो उन्हें तोड़ने के रणनीति के प्रयास का एक संक्षिप्त उल्लेख है लेकिन सब ठीक लगता है इस फिल्म के अंदर कहानी भी।
इसी तरह दोस्तों इस फिल्म की अवधि को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए विशेष रूप से फिल्म के कॉस्ट्यूमर अन्ना सिंह की और भी आलोचना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सलमान जो है सफेद जो है निपेट के साथ है, फिकी जो है नारंगी जींस पहने हुए हैं और यहाँ पे दोस्तों बख्तर बन जो है ब्रेस्ट प्ले के साथ जो अक्षर जो है रबर से बने होते हैं जो पहनने वाले हाफ और यहाँ पे पफ के रूप में आकार जो है बदलता है। जाहिर तौर पर कुछ भी यानी कि हो सकता है। फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई गई है और आप जो है सेकेंडो अतिरिक्त जो है कलाकारों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कोई यानी कि मायने नहीं रखता है और वह सब कुछ जो है यहाँ पे सलमान ही करते हैं जो इस फिल्म को आगे बढ़ावा देने के लिए अपने संवेदनशील जो है ब्रेड के साथ स्टार व्यक्तित्व के हर जो है ऑंश को यहाँ पे भुनाते हैं जहाँ पे उसका श्रेय जाता है। और कम से कम दोस्तों बता दें पहले घंटे के लिए पसंद करने योग्य है जो कि यहाँ पे अधिकांश से अधिक हो सकता है। ये इतनी जो है पुरानी फिल्म है कि दुख होता है कि कल्पना जो है कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मनमोहन देसाई के यहाँ पे अत्याचारी मर्द की, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टर जो है देसाई या फिर मिस्टर यानी कि बच्चन को छोड़कर हाँ वह बुरा है, लेकिन बेशक आपको बता दें संभावित जो है रूप से क्लासिक जो है ड्रिंकिंग गेम के रूप में शायद ये यानी कि योग्यताएं बीर को बॉक्स ऑफिस पर हिट का दर्जा सुनिश्चित करेंगी। लेकिन दोस्तों अगर ये फिल्म जो है सफल होती तो हम सभी को थोड़ा जो है चिंतित होना चाहिए था, क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी ज़्यादा खास नहीं थी जिसकी वजह से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिर भी ये मूवी 2010 में रिलीज हुई 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन चक्रवर्ती है, सुहेल खान है जो वीर के छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं सुहेल खान, और दोस्तों जैकी श्रॉफ को अब एक जो है यहाँ पे सुनहरी बाह में लिपटे हुए दिखाया गया जो एक जो है यहाँ पे कार्ड जज में जो है गुलशन ग्रोवर की याद दिलाता है जो किसी अज्ञात कारण से विज्ञापन जो है पुरुष और उनके अलावा सामयिक अभिनेता भरत जो है ढाबोलकर मिथुन के सन में यहाँ पे संवाद दाहिन जो है यानी कि चमकते हुए दिखाया गया। फिर दोस्तों जरीन खान है जो कि यहाँ पे इमिरेटस की एक जो है मजबूत यहाँ पे परिचारिका की तरह दिखती है जो वीर की पसंद को पकड़ती और यहाँ पे मुंह बनाने की कोशिश करती हुई घूमती हुई दिखाई देती है। जबकि नीना गुप्ता जो वीर की माँ का किरदार निभाती है उनको देखने लायक है फिल्म, क्योंकि मिथुन पर इतनी मोहित हो जाती है कि ये जोड़ी खुशी से झूमते हुए पिंडारी दर्शकों से प्यार करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म को जिसका नाम है वीर। तो दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, और आपको ये मूवी देखना है तो ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी जानकारी भी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं वीर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों वीर मूवी साल 2010 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य एक्शन फिल्म है जो सलमान खान की कहानी पर अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है। इसी के साथ दोस्तों बता दें इसमें सलमान खान, उनके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, जरीन खान, सुहेल खान और इस फिल्म में ऋषभ जैन अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए थे 2010 में। इसी के साथ दोस्तों बात करें वीर फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी 20 साल पहले सलमान खान ने लिखी थी, जिन्होंने इसे अपना जो है ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया था सलमान खान ने। इसी के साथ दोस्तों उस समय सलमान खान ने फिल्म का निर्देशन स्वयं करने और संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की कोशिश की थी। यहाँ दोस्तों इस फिल्म के अंदर संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की योजना बनाई थी। इसके बाद दोस्तों वीर आंशिक रूप से निकोलाई गोगेल के रूप में उपन्यास तराश बोलबा पर भी आधारित बताया जाता है। और इसी तरह दोस्तों वीर की भूमिका के लिए सलमान खान ने एक विशेष आहार लिया और एक निजी जो प्रशिक्षक के साथ जो है कसरत की थी फिल्म के लिए। इसी तरह दोस्तों बताया गया कि 19वीं सदी की राजकुमारी की भूमिका के लिए जरीन खान ने 8 किलो अतिरिक्त वजन भी बढ़ाया था फिल्म में अभिनय करने के लिए।
इसी तरह दोस्तों बीर फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी 1 दिसंबर 2008 को शुरू हुई थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को मूल रूप से पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज में शूट किया गया था, लेकिन दोस्तों बता दें स्वाइन फ्लू के प्रकोप के कारण जो है स्थानों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसकी वजह से अन्य लोकेशंस पर शूटिंग जयपुर और उसके अलावा बीकानेर में हुई थी। जयपुर के आमेर किले में यहां पे शूट किया गया था, जिसकी वजह से लोकेशन शूटिंग भी बाधित हुई और जब जो है कई दर्शक जो है घायल हो गए तब यहां पे राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्मांकन रोकने का आदेश दिया। इसी तरह दोस्तों फिल्म क्रू पर किले को नुकसान पहुंचाने की कई जो है संरचना कानूनों का उल्लंघन करने और यहां पे संरचना की 500 साल जो पुरानी छत को जो है ढहाने का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों अनिल शर्मा के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। क्रू ने रुपए का भुगतान करने के बाद अपनी शूटिंग पूरी की, जो 2 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद दोस्तों बता दे रोचेस्टर कैसल, हर बार जो है जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मुझे अपना जो है स्वर्ग दिखता है, ये डायलॉग्स काफी शानदार है। इसी नामक एक संगीत जो है अनुक्रम की पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया गया था, जिसमें एक घोड़ा और गाड़ी दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों बता दे चैथम जो है यहाँ पे डोकियार्ट ने यूके नृत्य के साथ जो है अनुक्रमों में उपयोग किए जाने वाले कई जो है एंसेंबल शॉट्स के साथ साथ वह स्थान भी प्रदान किया गया जहाँ वीर पहली बार युवराजी यशोधरा से मिलते हैं। 23 जनवरी 2010 को बताते लेखक जो है पवन चौधरी ने खान, अनिल शर्मा और निर्माता विजय कुमार के साथ जो है गलानी के खिलाफ 2 मिलियन का मुकदमा आरोप लगाया था कि फिल्म ने उनके उपन्यास जो है यहाँ पे ट्री लॉन्जी ऑफ जो है बीज डॉम तत्व उधार लिया है, जिसकी वजह से मुकदमे में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की गई थी। जी हाँ दोस्तों 2010 में। इसी तरह दोस्तों बताया गया है बीर का ट्रेलर 27 नवंबर 2009 को प्रियदर्शन की फिल्म दे दना दन की स्क्रीनिंग पर जारी की गई थी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की आम तौर पर जो समीक्षकों द्वारा निंदा किया गया था, निंदा ये की गई थी कि तरण आदर्श ने फिल्म के लेखन और निर्देशन की आलोचना करते हुए इसे भारी निराशा बताया था। इसी तरह दोस्तों CNN IBN के राजीव मंसद ने सलमान खान के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सहायक कलाकारों के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे सराहना के लिए एक संभव फिल्म कहा। इसके बाद दोस्तों गौरव ने भी इसको रिव्यू किया। गौरव मलानी ने कहानी को औसत बताते हुए सलमान खान के अभिनय की सराहना की। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को OL.com की तरफ से नोयोन ज्योति परसारण ने भी सलमान खान की प्रशंसा की, लेकिन कहा था कि कुल मिलाकर बीर के अपने जो है फायदे हैं। लेखक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी खुद की बात यही कि ये एक बहुत ही औसत फिल्म तक ही सीमित है और इसमें जो कुछ भी नया नहीं है और ये केवल इसे धीमा बनाता है। इसी तरह दोस्तों अमेरिकी आलोचक के बीच फिल्म जो है जर्नल इंटरनेशनल के फ्रैंक लेवेस ने इसे जो उच्चतम स्तर का हुकुम कहा। पिछले कई भारतीय आयातों के सबसे जो है उत्साहपूर्ण संगीत दृश्यों के साथ जो है विरामित के रूप में आनंद लिया था, ये बताया गया। और दोस्तों फिल्म के कई ऐतिहासिक और यहाँ पे कलानुक्रमिक जो है यहाँ पे प्रांतियों को विश्लेषण करने के बाद कहा, जहाँ पे स्टेट साइड के बारे में हम बात कर ले तो स्टेट साइड जो है बॉलीवुड आधुनिक जो है समय के संगीत में रोमांस से फिर जो स्टाइलिश जो है क्राइम थ्रिलर के अधिक जो है आदि प्रशंसकों को एक पीरियड पीस पाकर जो है यहाँ पे सुखद आश्चर्य होगा, जो एक पैसेज टू इंडिया की तुलना में जेना वॉरियर के साथ जो है प्रेजेंस से अधिक होता है, बताया गया। इसके बाद दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि ईरोज के अनुसार बीर ने भारत में अपने पहले हफ्ते में 410 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई किया। बीर ने भारत में जीवन काल में 375.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया, कुल मिला के 497.5 मिलियन रुपए की कमाई की और ये 2010 में घरेलू स्तर पर 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। बीर की दुनिया भर में कुल कमाई बताया जाता है 585.8 मिलियन, जो US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह दोस्तों बताते राजपूत युवा यानी कि संगठन करनी सेना ने बीर की कड़ी आलोचना की और बता दे कि आरोप लगाया था कि संवाद के कुछ हिस्से राजपूत जो है समुदाय के लिए अपमानजनक और यहां पे आपत्तिजनक है, जिसकी वजह से समूह के सदस्यों ने जयपुर में कई जो है मल्टीप्लेक्स पर हमला किया, जिसके बाद दोस्तों पोस्टर तोड़ दिए गए और यहां पे खिड़कियां तोड़ दी गई। अनिल शर्मा ने जवाब दिया था कि ये एक जो है गलतफहमी थी और राजपूत जो है समुदाय के प्रति कोई भी अपमान का इरादा नहीं था फिल्म को बनाते समय।
आइए दोस्तों अब यहाँ से बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों कहानी 1875 में वीर प्रताप सिंह यानी कि सलमान खान एक पिंडारी राजकुमार और उनके अलावा यहाँ पे महान जो पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह है जो मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र है जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए अपनी महान लड़ाइयों के लिए जाने जाते थे। वीर माधव गंध के राजस्थानी जो है साम्राज्य और शेष भारत को महान जो है अपनी वैश्विक शक्ति से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पे पिंडारियों के आंदोलन का नेतृत्व करके अपने पिता की विरासत को जारी रखना चाहते हैं। वीर को सेना जो है इकट्ठा करने में अपने छोटे भाई पुण्य सिंह यानी कि सुहेल खान की मदद मिलती है। हालांकि वीर को यहाँ पे माधवगढ़ के राजा ज्ञानेंद्र सिंह के साथ जो है जैकी श्रॉफ के विरोध का सामना करना पड़ता है जो वीर को माधवगढ़ और उसके अलावा यहाँ पे शासन के लिए खतरे के रूप में दिखाया गया है फिल्म के अंदर और वीर को मारने का आदेश देते हैं राजा। वीर और पुण्य अपने जो है समर्थकों के साथ राजस्थान के थार रेगिस्तान में छिप जाते हैं और जबकि सिंह यानी कि राजस्थान के ब्रिटिश जो है गवर्नर जेम्स फ्रेजर टीम जेम्स के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ जो है गठबंधन करते हैं और कहते हैं कि माधवगढ़ पिंडारी को यहां पे कुचलने में अंग्रेजों का समर्थन करेगा जो आंदोलन और वीर को खत्म करना है। इसके बाद दोस्तों बता दें दाव को ऊंचा रखने के लिए पिंडारी सिंह की बेटी राजकुमारी यशोधा यानी कि जरीन खान का अपहरण कर लेते हैं जिससे वीर खुद को जो है प्यार करने लगता है। फिर पिंडारियों ने अचानक जो है सिंह के महल को गिराने का असफल प्रयास किया। हालांकि सिंह के जासूसों को योजना का पता चल जाता है और इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। पता चलने के बाद हजारों पिंडारी योद्धा मारे जाते हैं। वीर भ्रष्ट राजा से बदला लेने में विफल रहा है लेकिन जानता है कि यहाँ पे पुणे को यशोधरा के भाई जो है गजेंद्र पुरुराज कुमार ने पकड़ लिया है। जैसे ही वीर अपने भाई को बचाने और गजेंद्र के आदमियों को मारने के लिए दौड़ता है उसके बाद वीरधारा यहाँ पे गजेंद्र को मार दिया जाता है अचानक से। जहाँ पे ज्ञानेंद्र ने यहाँ पे अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई। इस बीच दोस्तों जेम्स फ्रेजर की पत्नी जो है लेडी एंजेला फ्रेजर यानी कि लिसा लाजर के साथ अपने पति के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू कर देती है क्योंकि वह पिंडारी आंदोलन के सदस्यों को मारने में दुष्ट राजा का समर्थन करता है। इसके बाद दोस्तों बता दें फ्रेजर ने आंदोलन को कुचलने के अपने अभिनय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आगे लिखा गया है जब वीर ने अपने पिता से वादा किया था कि वह सिंह को नष्ट कर देगा तो वह यहाँ पे यशोधरा के यहाँ पे शव यौवन में प्रवेश कर लेता है। जैसे ही वह राजकुमारी को किले से दूर लेकर जाता है तो देखने को मिलता है ज्ञानेंद्र सिंह अपने किले के चारों ओर जो है पिंडारियों की एक विशाल सेना देखते हैं। वह अंग्रेजों से उसकी मदद करने के लिए कहता है लेकिन वह इनकार कर देते हैं और यहाँ पे माधवगढ़ से भागने के लिए यहाँ पे पिंडारी को अपना सहयोगी बना लेते हैं। अंग्रेजों के जाने से पहले एक लड़ाई होती है जिसमें गवर्नर जो है फ्रेजर और ज्ञानेंद्र सिंह मारे जाते हैं। गोली लगने से घायल वीर अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। वर्षों बाद वीर के बेटे यानी कि वीरा सलमान खान और पृथ्वी के बीच जो है क्रेडिट रोल के दौरान एक दोस्ताना साझा होते हुए दिखाया जाता है फिल्म के अंत में। तो दोस्तों ये कहानी वीर फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलता है जिसे साल 2010 में रिलीज किया गया था। 2010 में रिलीज हुआ और ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। कहानी 1985 के दशक में पिंडारी योद्धा और कबीले के एक देशभक्ति वीर जो है प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जो है प्रेम कहानी पूरी कर सके उसे अपनी जो मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इस चीज के लिए रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अब इस बात पर दोस्तों किसी को कोई जो शक नहीं है कि सलमान खान एक कुलीन वीर है क्योंकि दबे हुए अतीत से एक जो है विस्फोटक उठकर उसे एक ऐसे युग में प्रस्तुत करने के लिए बहुत जो है साहस की आवश्यकता होती है। जब हर कोई बॉलीवुड में एक बिल्कुल नई कहानी बताने के लिए यहाँ पे कृति संकल्प करता है तब
बेशक दोस्तों बता दे, लगान और यहाँ पे जोधा अकबर जैसी फिल्में जो यहाँ पे नौशीख या दर्शकों को भी यहाँ पे प्रभावित करने में कामयाब रही, लेकिन वह नियम के अपवाद की तरह थी। जब दोस्तों बता दे आधुनिक जो है भारतीय सिनेमा के बारे में हम बात कर ले तो भारतीय सिनेमा गीत और यहाँ पे साहित्य के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे साहित्य की बात यह है कि कुल मिलाकर यहाँ पे षड्यंत्रकारी जो है ब्रितानियों और उनकी भारत जो है यहाँ पे हड़पने की कहानी को रचनात्मक जो है डिब्बे तक ही सीमित कर दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर ले तो TNN अपडेट ने 11 में से इस मूवी को 2016 में अच्छा रेटिंग किया था और कहानी के बारे में लिखा है कि 1950 के दशक में पिंडारी योद्धा कबीले के एक देशभक्त वीर को प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रेम कहानी पूरी कर सके उसे अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी जो है दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों अब इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है कि सलमान खान एक योद्धा के रूप में फिल्म में अभिनय करते हैं और रियल लाइफ में भी एक योद्धा की तरह सलमान खान दिखते हैं। इसी तरह दोस्तों इसलिए सलमान खान की वीर का महत्व यह है जो कि एक तरह के सिनेमा का जश्न मनाती है जो जल्द ही देसी फिल्म विद्या से विलुप्त हो सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसे नायक का प्रदर्शन करने का साहस नहीं करेगा जो अपने जो है प्रतिद्वंदी के शरीर से पांच जो है शेर भूत पांच इनकिलाव दोस्तों बता दें किलोग्राम मांस को पंजे से काट ले। यहाँ तक दोस्तों यहाँ पे अत्यंत प्रसन्न के साथ उसकी आंतों को बाहर निकाल दे। ये हमारे वीर की कुछ छोटी मोटी यानी कि शैतानी हरकतें हैं जिनमें टूटे हुए पैर के साथ जो है नृत्य करना, तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में ब्रोच करना जैसा है और यहाँ पे उछलना हाथ और मिलाते समय हाथ जो है खींचना जैसा है। इसी तरह दोस्तों केवल जो है मुट्ठी और यहाँ पे तलवार से पूरी सेना को खत्म करने की प्रतिज्ञा करना शामिल है। आपको बता दें लेकिन है आप एक बड़े से बड़े जो है चरित्र के साथ क्या कर सकते हैं ये भी दिखाया गया। जब उसके पास उसके लिए कोई जो है बड़ा से बड़ा कारण नहीं बताया गया है तो जब वो यानी कि अशांत समय में 1857 में कोई जो है बहाना ढूंढने की सख्त यानी कि कोशिश कर रहा होता है तो आप बस उसकी जो है अराजकता बकवास के दौरान उसका जो है अनुसरण करते हैं। हम वास्तव में कभी नहीं जान पाते हैं कि ये जो है बहादुर पिंडारी योद्धा वास्तव में क्या चाहता है और क्या यानी कि धोखेबाज राजा जयकिश श्रॉफ के हाथों अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती के अपमान का बदला लेना चाहता है या नहीं, जिसने अपनी भूमि के योद्धा जो है जनजाति को धोखा दिया था। क्या वह आत्मघाती ब्रिटिश राजा का अंत करना चाहते हैं या क्या वह बस यानी कि उस खूबसूरत जो है राजकुमारी जरीन खान के साथ गाना और डांस करना चाहते हैं जो उसके दुश्मन की बेटी है। ये कहानी में आपको थोड़ा सा उलझन पैदा जरूर होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिल्म के अंदर एक अच्छी कहानी थी जिसकी वजह से ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये मूवी सलमान खान की थी जिसकी वजह से ये मूवी इतना ठीक ठाक कमाई कर पाया क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी खास नहीं थी बताया गया है। इसी तरह दोस्तों एक महान नायक का बेटा, नायक यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का बेटा बड़ा होता है और अपने पिता के नक्श कदम पर चलने का प्रयास करता है, भले ही यह रास्ता कितना भी आपत्तिजनक और यहाँ पे रक्ति पिपासु क्यों ना हो। यह मानक जो है बॉलीवुड घिसी पिटी बात को लेकर आया, लेकिन दोस्तों बदला दे हमारे सबसे प्रतिष्ठित पद का था लेखकों में से एक सलीम खान के बेटे सलमान खान से बेहतर जो यहाँ पे श्रद्धांजलि के पात्र है जिन्हें फिल्म की कहानी के लिए श्रेय दिया जाता है जो इस अविश्वसनीय अवधि की अपदा का मंथन करती है। निर्देशक यानी कि अनिल शर्मा को कभी भी उनकी जो है यहाँ पे सुक्षमता के लिए नहीं जाना जाता है और यहाँ जो है दर्द भरी यहाँ पे मेलोड्रामेटिक जो है स्क्रिप्ट में अपने दांते गड़ाते हुए एक के बाद एक जो है यहाँ पे एक के बाद एक जो है मेगा बजट की जो है गलतियाँ करते हुए हथौरे और यहाँ पे चिमेट से काम करता है। इसी तरह दोस्तों बतला दे 19वीं सदी में यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है स्थापित ये एक योद्धा कबीले के साथ जो है पिंडार युग की कहानी है जो एक जो है भाड़े का सैनिक है जो राजस्थान के माधवगढ़ के राजा के कट्टर जो है दुश्मन बन जाता है क्योंकि बाद में राजा ने उन्हें धोखा दिया था और एक पूर्ण पिंडारी के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया था।
यह सब वीर के पहले कुछ जो है मिनटों में होता है। यह मिथुन का पिंडारी जो है सर यानी कि सार्जेट जो है प्रस्ताव में ही किंग यानी कि जेके श्रॉफ का हाथ काट दिया जाता है। इसलिए दोस्तों जब जो है आपको एहसास होता है कि ये एक शोर शराबे से भरा हुआ जो है राक्षसी होने वाला है, तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि दीवार से दीवार तक जो है कार्रवाई, ऐसा भाग्य नहीं है। मिथुन के बारे में हम बात करें तो मिथुन के घर एक बेटे का जन्म हुआ फिल्म में, और वह बच्चे को यहाँ पे स्पार्टन की तरह जो है सख्त बनाना चाहते हुए उसे जो है बारिश में ले जाते हैं। ये लड़का बड़ा होकर वीर बनता है, जिसका अर्थ है कि घोड़े पर सवार सलमान खान यानी कि जनजातीय योद्धाओं की तरह ही कपड़े पहने हुए जो है यानी कि आई लाइनर के साथ जो है चमकते हुए दिखाई देते, जो कि पैंट उनके अलावा काउबॉय जूते और एक जो है पोंचो पहने हुए दिखाई देते हैं। और ये एक अच्छा हिस्सा था फिल्म में। आपको जल्द ही इसका एहसास होता है कि जब आप जो है असहाय होकर बैठ जाते हैं तो फिल्म आपकी जो है संवेदनाओं को नष्ट कर देती है। सलमान को एक गोरी राजकुमारी से प्यार हो जाता है। वह पढ़ाई के लिए यहाँ पे इंग्लैंड चला जाता है, जहाँ पे DDLG करने के लिए वापस आता है और उसका हाथ जीत लेता है। जाहिरा तौर पर बिना ज़्यादा खून बहाए जो है जानबूझकर कम से कम जो है काम किया जाता है। और इस सब के बीच में एक जो है संगीत में ब्रोच और उनके अलावा भयानक जो अंग्रेजी मेलाक्री से भरा हुआ एक गीत है, जो आँखों और दिल और आत्माओं के बारे में कुछ जो है बकवास है, जो कि यहाँ पे इच्छा अनुसार हम पर हमला करता है। और दोस्तों बतला दें यहाँ पे छत जो है छिटपुट रूप से और भी सुखद रूप से काम करता है इस फिल्म के अंदर, जहाँ दोस्तों हमें देखने को मिला है। पहले भाग के बारे में हम बात करें तो पहला भाग फिल्म का आश्चर्यजनक है, क्योंकि बैंड में तोड़ने के माध्यम से सजा देने की यहाँ पे कुख्यात प्राणी पर आधारित है, और जो कि एक छोटे हुए यानी कि भरे अंग्रेजी बनाकर जो उन्हें तोड़ने के रणनीति के प्रयास का एक संक्षिप्त उल्लेख है, लेकिन सब ठीक लगता है इस फिल्म के अंदर कहानी भी। इसी तरह दोस्तों इस फिल्म की अवधि को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने के लिए विशेष रूप से फिल्म के कॉस्ट्यूमर अन्ना सिंह की ओर भी आलोचना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सलमान जो है सफ़ेद जो है नीपैड के साथ फीकी जो है नारंगी जींस पहने हुए हैं, और यहाँ पे दोस्तों बख्तर बन जो है ब्रेस्ट प्ले के साथ जो अक्सर जो है रबर से बने होते हैं, जो पहनने वाले हाफ और यहाँ पे पफ के रूप में आकार जो है बदलता है। जाहिर तौर पर कुछ भी यानी कि हो सकता है। फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई गई है और आप जो है सेकेंडो अतिरिक्त जो है कलाकारों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कोई यानी कि मायने नहीं रखता है, और वह सब कुछ जो है यहाँ पे सलमान ही करते हैं, जो इस फिल्म को आगे बढ़ावा देने के लिए अपने संवेदनशील जो है ब्रेड के साथ स्टार व्यक्तित्व के हर जो है अंश को यहाँ पे भुनाते हैं, जहाँ पे उसका श्रेय जाता है। और कम से कम दोस्तों बता दें पहले घंटे के लिए पसंद करने योग्य है, जो कि यहाँ पे अधिकांश से अधिक हो सकता है। ये इतनी जो है पुरानी फिल्म है कि दुख होता है कि कल्पना जो है कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मनमोहन देसाई के यहाँ पे अत्याचारी मर्द की, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टर जो है देसाई या फिर मिस्टर यानी कि बच्चन को छोड़कर हाँ वह बुरा है, लेकिन बेशक आपको बतला दें संभावित जो है रूप से क्लासिक जो है ड्रिंकिंग गेम के रूप में शायद ये यानी कि योग्यताएँ वीर को बॉक्स ऑफिस पर हिट का दर्जा सुनिश्चित करेंगी। लेकिन दोस्तों अगर ये फिल्म जो है सफल होती तो हम सभी को थोड़ा जो है चिंतित होना चाहिए था, क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी ज़्यादा खास नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिर भी ये मूवी 2010 में रिलीज हुई 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन चक्रवर्ती है, सुहेल खान है जो वीर के छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं सुहेल खान, और दोस्तों जैकि श्रॉफ को अब एक जो है यहाँ पे सुनहरी बाह में लिपटे हुए दिखाया गया, जो एक जो है यहाँ पे कार्ड जज में जो है गुलशन ग्रोवर की याद दिलाता है, जो किसी अज्ञात कारण से विज्ञापन जो है पुरुष और उनके अलावा सामयिक अभिनेता भरत जो है ढाबोलकर मिथुन के सन में यहाँ पे संवाद दाहिन जो है यानी कि चमकते हुए दिखाया गया। फिर दोस्तों जरीन खान है जो कि यहाँ पे इमिरेटर्स की एक जो है मजबूत यहाँ पे परिचारिका की तरह दिखती है, जो वीर की पसंद को पकड़ती और यहाँ पे मुंह बनाने की कोशिश करती हुई घूमती हुई दिखाई देती है। जबकि नीना गुप्ता जो वीर की माँ का किरदार निभाती है उनको देखने लायक है फिल्म में, क्योंकि मिथुन पर इतनी मोहित हो जाती है कि ये जोड़ी खुशी से झूमते हुए पिंडारी दर्शकों से प्यार करती है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म को जिसका नाम है वीर। तो दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, और आपको ये मूवी देखना है तो ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी जानकारी भी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं वीर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों वीर मूवी साल 2010 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य एक्शन फिल्म है जो सलमान खान की कहानी पर अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है। इसी के साथ दोस्तों बता दें इसमें सलमान खान, उनकिला मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, जरीन खान, सुहेल खान और इस फिल्म में ऋषभ जैन अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए थे 2010 में। इसी के साथ दोस्तों बात करें वीर फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी 20 साल पहले सलमान खान ने लिखी थी, जिन्होंने इसे अपना जो है ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया था सलमान खान ने। इसी के साथ दोस्तों उस समय सलमान खान ने फिल्म का निर्देशन स्वयं करने और संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों इस फिल्म के अंदर संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की योजना बनाई थी। इसके बाद दोस्तों वीर आंशिक रूप से निकोलाई गोगेल के रूप में उपन्यास जो है तराश बोलबा पर भी आधारित है बताया जाता है। और इसी तरह दोस्तों वीर की भूमिका के लिए सलमान खान ने एक विशेष आहार लिया और एक निजी जो प्रशिक्षक के साथ जो है कसरत की थी फिल्म के लिए। इसी तरह दोस्तों बताया गया कि 19वीं सदी की राजकुमारी की भूमिका के लिए जरीन खान ने 8 किलो अतिरिक्त वजन भी बढ़ाया था फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसी तरह दोस्तों वीर फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी 1 दिसंबर 2008 को शुरू हुई थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को मूल रूप से पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज में शूट किया गया था, लेकिन दोस्तों बता दें स्वाइन फ्लू के प्रकोप के कारण जो है स्थानों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसकी वजह से अन्य लोकेशंस पर शूटिंग जयपुर और उसके अलावा बीकानेर में हुई थी। जयपुर के आमेर किले में यहां पे शूट किया गया था, जिसकी वजह से लोकेशन शूटिंग भी बाधित हुई और जब जो है कई दर्शक जो है घायल हो गए तब यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्मांकन रोकने का आदेश दिया। इसी तरह दोस्तों फिल्म क्रूर पर किले को नुकसान पहुंचाने की कई जो है संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने और यहां पे संरचना की 500 साल जो पुरानी छत को जो है ढहाने का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों अनिल शर्मा के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। क्रूर ने रुपए का भुगतान करने के बाद अपनी शूटिंग पूरी की, जो 2 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद दोस्तों बता दे रोचेस्टर कैसल, हर बार जो है जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मुझे अपना जो है स्वर्ग दिखता है, ये डायलॉग्स काफी शानदार है। इसी नामक एक संगीत जो है अनुक्रम की पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया गया था, जिसमें एक घोड़ा और गाड़ी दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों बता दे चैथम जो है यहाँ पे डोकियार्ट ने यूके नृत्य के साथ जो है अनुक्रमों में उपयोग किए जाने वाले कई जो है एंसेंबल शॉट्स के साथ साथ वह स्थान भी प्रदान किया गया जहाँ वीर पहली बार युवराजी यशोधरा से मिलते हैं। 23 जनवरी 2010 को बताते लेखक जो है पवन चौधरी ने खान, अनिल शर्मा और निर्माता विजय कुमार के साथ जो है गलानी के खिलाफ 2 मिलियन का मुकदमा आरोप लगाया था कि फिल्म ने उनके उपन्यास जो है यहाँ पे ट्री लॉन्जी ऑफ जो है बीज डॉम तत्व उधार लिया है, जिसकी वजह से मुकदमे में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की गई थी। जी हाँ दोस्तों 2010 में। इसी तरह दोस्तों बताया गया है वीर का ट्रेलर 27 नवंबर 2009 को प्रियदर्शन की फिल्म दे दना दन की स्क्रीनिंग पर जारी की गई थी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की आम तौर पर जो समीक्षकों द्वारा निंदा किया गया था, निंदा ये की गई थी कि तरण आदर्श ने फिल्म के लेखन और निर्देशन की आलोचना करते हुए इसे भारी निराशा बताया था। इसी तरह दोस्तों CNN IBN के राजीव मंसद ने सलमान खान के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सहायक कलाकारों के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे सराहना के लिए एक संभव फिल्म कहा। इसके बाद दोस्तों गौरव ने भी इसको रिव्यू किया। गौरव मलानी ने कहानी को औसत बताते हुए सलमान खान के अभिनय की सराहना की। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को OL.com की तरफ से नोयोन ज्योति प्रसारण ने भी सलमान खान की प्रशंसा की, लेकिन कहा था कि कुल मिलाकर वीर के
अपने जो है फायदे हैं लेखक के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी खुद की बात यह है कि ये एक बहुत ही औसत फिल्म तक ही सीमित है और इसमें जो कुछ भी नया नहीं है और ये केवल इसे धीमा बनाता है। इसी तरह दोस्तों अमेरिकी आलोचक के बीच फिल्म जो है जर्नल इंटरनेशनल के फ्रैंक लेवेस ने इसे जो उच्चतम स्तर का हुकुम कहा। पिछले कई भारतीय आयातों के सबसे जो है उत्साहपूर्ण संगीत दृश्यों के साथ जो है विरामित के रूप में आनंद लिया था ये बताया गया। और दोस्तों फिल्म के कई ऐतिहासिक और यहाँ पे कलानुक्रमिक जो है यहाँ पे भ्रांतियों को विश्लेषण करने के बाद कहा। जहाँ पे स्टेट साइड के बारे में हम बात कर ले तो स्टेट साइड जो है बॉलीवुड आधुनिक जो है समय के संगीत में रोमांस है, फिर जो स्टाइलिश जो है क्राइम थ्रिलर के अधिक जो है आदि प्रशंसकों को एक पीरियड पीस पाकर जो है यहाँ पे सुखद आश्चर्य होगा। जो एक है पैसेज टू इंडिया की तुलना में जेना वॉरियर के साथ जो है प्रेजेंस से अधिक होता है बताया गया। इसके बाद दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि ईरोज के अनुसार बीर ने भारत में अपने पहले हफ्ते में 410 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई किया। बीर ने भारत में जीवन काल में 375.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया। कुल मिला के 497.5 मिलियन रुपए की कमाई की और ये 2010 में घरेलू स्तर पर 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। बीर की दुनिया भर में कुल कमाई बताया जाता है 585.8 मिलियन जो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो काफी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह दोस्तों बता दें राजपूत युवा यानी कि संगठन करनी सेना ने बीर की कड़ी आलोचना की और बता दें कि आरोप लगाया था कि संवाद के कुछ हिस्से राजपूत जो है समुदाय के लिए अपमानजनक और यहां पे आपत्तिजनक है, जिसकी वजह से समूह के सदस्यों ने जयपुर में कई जो है मल्टीप्लेक्स पर हमला किया, जिसके बाद दोस्तों पोस्टर तोड़ दिए गए और यहाँ पे खिड़कियां तोड़ दी गई। अनिल शर्मा ने जवाब दिया था कि ये एक जो है गलत फहमी थी और राजपूत जो है समुदाय के प्रति कोई भी अपमान का इरादा नहीं था फिल्म को बनाते समय। आइए दोस्तों अब यहाँ से बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों कहानी 1875 में वीर प्रताप सिंह यानी कि सलमान खान एक पिंडारी राजकुमार और उनके अलावा यहाँ पे महान जो पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह है जो मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र है जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए अपनी महान लड़ाइयों के लिए जाने जाते थे। वीर माधव गंध के राजस्थानी जो साम्राज्य और शेष भारत को महान जो है अपनी वैश्विक शक्ति से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पे पिंडारियों के आंदोलन का नेतृत्व करके अपने पिता की विरासत को जारी रखना चाहते हैं। वीर को सेना जो है इकट्ठा करने में अपने छोटे भाई पुण्य सिंह यानी कि सुहेल खान की मदद मिलती है। हालांकि वीर को यहाँ पे माधवगढ़ के राजा ज्ञानेंद्र सिंह के साथ जो है जैकी श्रॉफ के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो वीर को माधवगढ़ और उसके अलावा यहाँ पे शासन के लिए खतरे के रूप में दिखाया गया है फिल्म के अंदर और वीर को मारने का आदेश देते हैं राजा। वीर और पुण्य अपने जो है समर्थकों के साथ राजस्थान के थार रेगिस्तान में छिप जाते हैं और जबकि सिंह यानी कि राजस्थान के ब्रिटिश जो है गवर्नर जेम्स फ्रेजर टीम जेम्स के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ जो है गठबंधन करते हैं और कहते हैं कि माधवगढ़ पिंडारी को यहां पे कुचलने में अंग्रेजों का समर्थन करेगा जो आंदोलन और वीर को खत्म करना है। इसके बाद दोस्तों बता दें दाव को ऊंचा रखने के लिए पिंडारी सिंह की बेटी राजकुमारी यशोधरा यानी कि जरीन खान का अपहरण कर लेते हैं, जिससे वीर खुद को जो है प्यार करने लगता है। फिर पिंडारियों ने अचानक जो है सिंह के महल को गिराने का असफल प्रयास किया। हालांकि सिंह के जासूसों को योजना का पता चल जाता है और इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। पता चलने के बाद हजारों पिंडारी योद्धा मारे जाते हैं। वीर भ्रष्ट राजा से बदला लेने में विफल रहा है लेकिन जानता है कि यहाँ पे पुणे को यशोधरा के भाई जो है गजेंद्र पुरुराज कुमार ने पकड़ लिया है। जैसे ही वीर अपने भाई को बचाने और गजेंद्र के आदमियों को मारने के लिए दौड़ता है, उसके बाद वीरधारा यहाँ पे गजेंद्र को मार दिया जाता है अचानक से। जहाँ पे ज्ञानेंद्र ने यहाँ पे अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई। इस बीच दोस्तों जेम्स फ्रेजर की पत्नी जो है लेडी एंजेला फ्रेजर यानी कि लिसा लाजर के साथ अपने पति के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह पिंडारी आंदोलन के सदस्यों को मारने में दुष्ट राजा का समर्थन करता है। इसके बाद दोस्तों बता दें फ्रेजर ने आंदोलन को कुचलने के अपने अभिनय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आगे लिखा गया है जब वीर ने अपने पिता से वादा किया था कि वह सिंह को नष्ट कर देगा तो वह यहाँ पे यशोधरा के यहाँ पे शव यौवन में प्रवेश कर लेता है। जैसे ही वह राजकुमारी को किले से दूर लेकर जाता है
लेकर जाता है तो देखने को मिलता है ज्ञानेंद्र सिंह अपने किले के चारों ओर जो है पिंडारियों की एक विशाल सेना देखते हैं। वह अंग्रेजों से उसकी मदद करने के लिए कहता है लेकिन वह इनकार कर देते हैं और यहाँ पे माधवगढ़ से भागने के लिए यहाँ पे पिंडारी को अपना सहयोगी बना लेते हैं। अंग्रेजों के जाने से पहले एक लड़ाई होती है जिसमें गवर्नर जो है फ्रेजर और ज्ञानेंद्र सिंह मारे जाते हैं। गोली लगने से घायल वीर अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। वर्षों बाद वीर के बेटे यानी कि वीरा सलमान खान और पृथ्वी के बीच जो है क्रेडिट रोल के दौरान एक दोस्ताना साझा होते हुए दिखाया जाता है फिल्म के अंत में। तो दोस्तों ये कहानी वीर फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलता है जिसे साल 2010 में रिलीज किया गया था। 2010 में रिलीज हुआ और ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। कहानी 1985 के दशक में पिंडारियों योद्धा और कबीले के एक देशभक्ति वीर जो है प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जो है प्रेम कहानी पूरी कर सके उसे अपनी जो मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इस चीज के लिए रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अब इस बात पर दोस्तों किसी को कोई जो शक नहीं है कि सलमान खान एक कुलीन वीर है क्योंकि दबे हुए अतीत से एक जो है विस्फोटक उठकर उसे एक ऐसे युग में प्रस्तुत करने के लिए बहुत जो है साहस की आवश्यकता होती है। जब हर कोई बॉलीवुड में एक बिल्कुल नई कहानी बताने के लिए यहाँ पे कृति संकल्प करता है तब बेशक दोस्तों बता दे लगान और यहाँ पे जोधा अकबर जैसी फिल्में जो यहाँ पे नौ सिख या दर्शकों को भी यहाँ पे प्रभावित करने में कामयाब रही लेकिन वह नियम के अपवाद की तरह थी। जब दोस्तों बता दे आधुनिक जो है भारतीय सिनेमा के बारे में हम बात कर ले तो भारतीय सिनेमा गीत और यहाँ पे साहित्य के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे साहित्य की बात ये है कि कुल मिलाकर यहाँ पे षड्यंत्रकारी जो है ब्रितानियों और उनकी भारत जो है यहाँ पे हड़पने की कहानी को रचनात्मक जो है डिब्बे तक ही सीमित कर दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर ले तो TNN अपडेट ने 11 में से इस मूवी को 2016 में अच्छा रेटिंग किया था और कहानी के बारे में लिखा है कि 1950 के दशक में पिंडारी योद्धा कबीले के एक देशभक्त वीर को प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रेम कहानी पूरी कर सके उसे अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी जो है दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों अब इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है कि सलमान खान एक योद्धा के रूप में फिल्म में अभिनय करते हैं और रियल लाइफ में भी एक योद्धा की तरह सलमान खान दिखते हैं। इसी तरह दोस्तों इसलिए सलमान खान की वीर का महत्व यह है जो कि एक तरह के सिनेमा का जश्न मनाती है जो जल्द ही देसी फिल्म विद्या से विलुप्त हो सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसे नायक का प्रदर्शन करने का साहस नहीं करेगा जो अपने जो है प्रतिद्वंदी के शरीर से पांच जो है शेर भूत पांच किनकिलाओ दोस्तों बता दे किलोग्राम मांस को पंजे से काट ले। यहाँ तक दोस्तों यहाँ पे अत्यंत प्रसन्न के साथ उसकी आंतों को बाहर निकाल दे। ये हमारे वीर की कुछ छोटी मोटी यानी कि शैतानी हरकतें हैं जिनमें टूटे हुए पैर के साथ जो है नृत्य करना तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में ब्रोच करना जैसा है और यहाँ पे उछलना हाथ और मिलाते समय हाथ जो है खींचना जैसा है। इसी तरह दोस्तों केवल जो है मुट्ठी और यहाँ पे तलवार से पूरी सेना को खत्म करने की प्रतिज्ञा करना शामिल है आपको बता दें लेकिन है आप एक बड़े से बड़े जो है चरित्र के साथ क्या कर सकते हैं ये भी दिखाया गया। जब उसके पास उसके लिए कोई जो है बड़ा से बड़ा कारण नहीं बताया गया है तो जब वो यानी कि अशांत समय में 1857 में कोई जो है बहाना ढूंढने की सख्त यानी कि कोशिश कर रहा होता है तो आप बस उसकी जो है अराजकता बकवास के दौरान उसका जो है अनुसरण करते हैं। हम वास्तव में कभी नहीं जान पाते हैं कि ये जो है बहादुर पिंडारी योद्धा वास्तव में क्या चाहता है और क्या यानी कि धोखेबाज राजा जयकिश श्रॉफ के हाथों अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती के अपमान का बदला लेना चाहता है या नहीं। जिसने अपनी भूमि के योद्धा जो है जनजाति को धोखा दिया था क्या वह आत्मघाती ब्रिटिश राजा का अंत करना चाहते हैं या क्या वह बस यानी कि उस खूबसूरत जो है राजकुमारी जरीन खान के साथ गाना और डांस करना चाहते हैं जो उसके दुश्मन की बेटी है।
ये कहानी में आपको थोड़ा सा उलझन पैदा जरूर होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिल्म के अंदर एक अच्छी कहानी थी जिसकी वजह से ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये मूवी सलमान खान की थी जिसकी वजह से ये मूवी इतना ठीक ठाक कमाई कर पाया, क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी खास नहीं थी बताया गया है। इसी तरह दोस्तों एक महान नायक का बेटा, नायक यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का बेटा बड़ा होता है और अपने पिता के नक्श कदम पर चलने का प्रयास करता है। भले ही यह रास्ता कितना भी आपत्तिजनक और यहाँ पे रक्ति पिपासु क्यों ना हो, यह मानक जो है बॉलीवुड घिसी पिटी बात को लेकर आया, लेकिन दोस्तों बदला दे हमारे सबसे प्रतिष्ठित पद का था लेखकों में से एक सलीम खान के बेटे सलमान खान से बेहतर जो यहाँ पे श्रद्धांजलि के पात्र है, जिन्हें फिल्म की कहानी के लिए श्रेय दिया जाता है जो इस अविश्वसनीय अवधि की अपदा का मंथन करती है। निर्देशक यानी कि अनिल शर्मा को कभी भी उनकी जो है यहाँ पे सुक्षमता के लिए नहीं जाना जाता है और यहाँ जो है दर्द भरी यहाँ पे मेलोड्रामेटिक जो है स्क्रिप्ट में अपने दांते गड़ाते हुए एक के बाद एक जो है यहाँ पे एक के बाद एक जो है मेगा बजट की जो है गलतियाँ करते हुए हथौरे और यहाँ पे सीमेंट से काम करता है। इसी तरह दोस्तों बतला दे 19वीं सदी में यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो स्थापित ये एक योद्धा कबीले के साथ जो है पिंडार युग की कहानी है, जो एक जो है भाड़े का सैनिक है जो राजस्थान के माधवगढ़ के राजा के कट्टर जो है दुश्मन बन जाता है, क्योंकि बाद में राजा ने उन्हें धोखा दिया था और एक पूर्ण पिंडारी के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया था। यह सब वीर के पहले कुछ जो है मिनटों में होता है, जहां मिथुन का पिंडारी जो है सर यानी कि सार्जेट जो है प्रस्ताव में ही किंग यानी कि जेके श्रॉफ का हाथ काट दिया जाता है। इसलिए दोस्तों जब जो है आपको एहसास होता है कि ये एक शोर शराबे से भरा हुआ जो है राक्षसी होने वाला है, तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि दीवार से दीवार तक जो है कार्रवाई ऐसा भाग्य नहीं है। मिथुन के बारे में हम बात करें तो मिथुन के घर एक बेटे का जन्म हुआ फिल्म में और वह बच्चे को यहाँ पे स्पार्टन की तरह जो है सख्त बनाना चाहते हुए उसे जो है बारिश में ले जाते हैं। ये लड़का बड़ा होकर वीर बनता है, इसका अर्थ है कि घोड़े पर सवार सलमान खान यानी कि जनजातीय योद्धाओं की तरह ही कपड़े पहने हुए जो है यानी कि आई लाइनर के साथ जो है चमकते हुए दिखाई देते, जो कि पैंट उनके अलावा काउबॉय जूते और एक जो है पोचो पहने हुए दिखाई देते हैं और ये एक अच्छा हिस्सा था फिल्म में। आपको जल्द ही इसका एहसास होता है कि जब आप जो है असहाय होकर बैठ जाते हैं तो फिल्म आपकी जो है संवेदनाओं को नष्ट कर देती है। सलमान को एक गोरी राजकुमारी से प्यार हो जाता है, वह पढ़ाई के लिए यहाँ पे इंग्लैंड चला जाता है जहाँ पे DDLG करने के लिए वापस आता है और उसका हाथ जीत लेता है। जाहिरा तौर पर बिना ज़्यादा खून बहाए जो है जानबूझकर कम से कम जो है काम किया जाता है और इस सब के बीच में एक जो है संगीत में ब्रोच और उनके अलावा भयानक जो अंग्रेजी मेलाक्री से भरा हुआ एक गीत है जो आंखों और दिल और आत्माओं के बारे में कुछ जो है बकवास है, जो कि यहाँ पे इच्छा अनुसार हम पर हमला करता है। और दोस्तों बता दें यहाँ पे छह जो है छिटपुट रूप से और भी सुखद रूप से काम करता है इस फिल्म के अंदर, जहाँ दोस्तों हमें देखने को मिला है। पहले भाग के बारे में हम बात करें तो पहला भाग फिल्म का आश्चर्यजनक है, क्योंकि बैंड में तोड़ने के माध्यम से सजा देने की यहाँ पे कुख्यात प्राणी पर आधारित है और जो कि एक छोटे हुए यानी कि भरे अंग्रेजी बनाकर जो उन्हें तोड़ने के रणनीति के प्रयास का एक संक्षिप्त उल्लेख है, लेकिन सब ठीक लगता है इस फिल्म के अंदर कहानी भी। इसी तरह दोस्तों इस फिल्म की अवधि को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने के लिए विशेष रूप से फिल्म के कॉस्ट्यूमर अन्ना सिंह की ओर भी आलोचना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सलमान जो है सफ़ेद जो है नीपैड के साथ फीकी जो है नारंगी जींस पहने हुए हैं और यहाँ पे दोस्तों बख्तर बन जो है ब्रेस्ट प्ले के साथ जो अक्षर जो है रबर से बने होते हैं जो पहनने वाले हाफ और यहाँ पे पॉफ के रूप में आकार जो है बदलता है। जाहिरा तौर पर कुछ भी यानी कि हो सकता है, फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई गई है और आप जो है सेकेंडो अतिरिक्त जो है कलाकारों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कोई यानी कि मायने नहीं रखता है और वह सब कुछ जो है यहाँ पे सलमान ही करते हैं, जो इस फिल्म को आगे बढ़ावा देने के लिए अपने संवेदनशील जो है ब्रेड के साझवे स्टार व्यक्तित्व के हर जो है अंश को यहाँ पे भुनाते हैं, जहाँ पे उसका श्रेय जाता है। और कम से कम दोस्तों बता दें पहले घंटे के लिए पसंद करने योग्य है, जो कि यहाँ पे अधिकांश से अधिक हो सकता है।
ये इतनी जो है पुरानी फिल्म है कि दुख होता है कि कल्पना जो है कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मनमोहन देसाई के यहाँ पे अत्याचारी मर्ड की, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टर जो है देसाई या फिर मिस्टर यानी कि बच्चन को छोड़कर हाँ वह बुरा है, लेकिन बेशक आपको बतला दें संभावित जो है रूप से क्लासिक जो है ड्रिंकिंग गेम के रूप में शायद ये यानी कि योग्यताएं बीर को बॉक्स ऑफिस पर हिट का दर्जा सुनिश्चित करेंगी। लेकिन दोस्तों अगर ये फिल्म जो है सफल होती तो हम सभी को थोड़ा जो है चिंतित होना चाहिए था, क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी ज़्यादा खास नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिर भी ये मूवी 2010 में रिलीज हुई 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन चक्रवर्ती है, सुहेल खान है जो बीर के छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं सुहेल खान, और दोस्तों जैकी श्रॉफ को अब एक जो है यहाँ पे सुनहरी बाह में लिपटे हुए दिखाया गया, जो एक जो है यहाँ पे कार्ड जज में जो है गुलशन ग्रोवर की याद दिलाता है, जो किसी अज्ञात कारण से विज्ञापन जो है पुरुष और उनके अलावा सामयिक अभिनेता भरत जो है ढाबोलकर मिथुन के सन में यहाँ पे संवाद दाहिन जो है यानी कि चमकते हुए दिखाया गया। फिर दोस्तों जरीन खान है जो कि यहाँ पे इमिरेटर्स की एक जो है मजबूत यहाँ पे परिचारिका की तरह दिखती है, जो बीर की पसंद को पकड़ती और यहाँ पे मुंह बनाने की कोशिश करती हुई घूमती हुई दिखाई देती है, जबकि नीना गुप्ता जो बीर की माँ का किरदार निभाती है उनको देखने लायक है फिल्म में, क्योंकि मिथुन पर इतनी मोहित हो जाती है कि ये जोड़ी खुशी से झूमते हुए पिंडारी दर्शकों से प्यार करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म को, जिसका नाम है बीर। तो दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, और आपको ये मूवी देखना है तो ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिलेगा इसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं बीर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों बीर मूवी साल 2010 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य एक्शन फिल्म है, जो सलमान खान की कहानी पर अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है। इसी के साथ दोस्तों बता दें इसमें सलमान खान, उनकिला मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, जरीन खान, सुहेल खान और इस फिल्म में ऋषभ जैन अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए थे 2010 में। इसी के साथ दोस्तों बात करें बीर फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी 20 साल पहले सलमान खान ने लिखी थी, जिन्होंने इसे अपना जो है ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया था सलमान खान ने। इसी के साथ दोस्तों उस समय सलमान खान ने फिल्म का निर्देशन स्वयं करने और संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की कोशिश की थी। यहाँ दोस्तों इस फिल्म के अंदर संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की योजना बनाई थी। इसके बाद दोस्तों बीर आंशिक रूप से निकोलाई गोगेल के रूप में उपन्यास जो है तराश बोलबा पर भी आधारित है बताया जाता है, और इसी तरह दोस्तों बीर की भूमिका के लिए सलमान खान ने एक विशेष आहार लिया और एक निजी जो प्रशिक्षक के साथ जो है कसरत की थी फिल्म के लिए। इसी तरह दोस्तों बताया गया कि 19वीं सदी की राजकुमारी की भूमिका के लिए जरीन खान ने 8 किलो अतिरिक्त वजन भी बढ़ाया था फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसी तरह दोस्तों बीर फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी 1 दिसंबर 2008 को शुरू हुई थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को मूल रूप से पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज में शूट किया गया था, लेकिन दोस्तों बता दें स्वाइन फ्लू के प्रकोप के कारण जो है स्थानों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया बाद में, जिसकी वजह से अन्य लोकेशंस पर शूटिंग जयपुर और उसके अलावा बीकानेर में हुई थी। जयपुर के आमेर किले में यहां पे शूट किया गया था, जिसकी वजह से लोकेशंस शूटिंग भी बाधित हुई और जब जो है कई दर्शक जो है घायल हो गए तब यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्मांकन रोकने का आदेश दिया। इसी तरह दोस्तों फिल्म क्रूर पर किले को नुकसान पहुंचाने की कई जो है संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने और यहां पे संरचना की 500 साल जो पुरानी छत को जो है ढहाने का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों अनिल शर्मा के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। क्रूर ने रुपए का भुगतान करने के बाद अपनी शूटिंग पूरी की, जो 2 मिलियन का नुकसान हुआ था।
इसके बाद दोस्तों बता दे, रोचेस्टर कैसल हर बार जो है जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपना जो है स्वर्ग दिखता है, ये डायलॉग्स काफी शानदार है। इसी नामक एक संगीत जो है अनुक्रम की पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया गया था, जिसमें एक घोड़ा और गाड़ी दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों बता दे, चैथम जो है यहाँ पे डोकियार्ट ने यूके नृत्य के साथ जो है अनुक्रमों में उपयोग किए जाने वाले कई जो है एंसेंबल शॉट्स के साथ साथ वह स्थान भी प्रदान किया गया जहाँ वीर पहली बार युवराजी यशोधरा से मिलते हैं। 23 जनवरी 2010 को बताते लेखक जो है पवन चौधरी ने खान अनिल शर्मा और निर्माता विजय कुमार के साथ जो है गलानी के खिलाफ 2 मिलियन का मुकदमा आरोप लगाया था कि फिल्म ने उनके उपन्यास जो है यहाँ पे ट्री लॉन्जी ऑफ जो है बीज डॉम तत्व उधार लिया है, जिसकी वजह से मुकदमे में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की गई थी। जी हाँ दोस्तों 2010 में। इसी तरह दोस्तों बताया गया है वीर का ट्रेलर 27 नवंबर 2009 को प्रिया दर्शन की फिल्म दे दना दन की स्क्रीनिंग पर जारी की गई थी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की आम तौर पर जो समीक्षकों द्वारा निंदा किया गया था, निंदा ये की गई थी कि तरण आदर्श ने फिल्म के लेखन और निर्देशन की आलोचना करते हुए इसे भारी निराशा बताया था। इसी तरह दोस्तों CNN IBN के राजीव मंसद ने सलमान खान के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सहायक कलाकारों के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे सराहना के लिए एक संभव फिल्म कहा। इसके बाद दोस्तों गौरव ने भी इसको रिव्यू किया। गौरव मलानी ने कहानी को औसत बताते हुए सलमान खान के अभिनय की सराहना की। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को OL.com की तरफ से नोयोन ज्योति परसारण ने भी सलमान खान की प्रशंसा की, लेकिन कहा था कि कुल मिलाकर वीर के अपने जो है फायदे हैं। लेखक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी खुद की बात यही कि ये एक बहुत ही औसत फिल्म तक ही सीमित है और इसमें जो कुछ भी नया नहीं है और ये केवल इसे धीमा बनाता है। इसी तरह दोस्तों अमेरिकी आलोचक के बीच फिल्म जो है जर्नल इंटरनेशनल के फ्रैंक लेवेस ने इसे जो उच्चतम स्तर का हुकुम कहा। पिछले कई भारतीय आयातों के सबसे जो है उत्साहपूर्ण संगीत दृश्यों के साथ जो है विरामित के रूप में आनंद लिया था, ये बताया गया। और दोस्तों फिल्म के कई ऐतिहासिक और यहाँ पे कलानुक्रमिक जो है यहाँ पे भ्रांतियों को विश्लेषण करने के बाद कहा। जहाँ पे स्टेट साइड के बारे में हम बात कर ले तो स्टेट साइड जो है बॉलीवुड आधुनिक जो है समय के संगीत में रोमांस है, फिर जो स्टाइलिश जो है क्राइम थ्रिलर के अधिक जो है आदि प्रशंसकों को एक पीरियड पीस पाकर जो है यहाँ पे सुखद आश्चर्य होगा जो एक पैसेज टू इंडिया की तुलना में जेना वॉरियर के साथ जो है प्रेजेंस से अधिक होता है, बताया गया। इसके बाद दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि ईरोज के अनुसार वीर ने भारत में अपने पहले हफ्ते में 410 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई किया। वीर ने भारत में जीवन काल में 375.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया, कुल मिला के 497.5 मिलियन रुपए की कमाई की और ये 2010 में घरेलू स्तर पर 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वीर की दुनिया भर में कुल कमाई बताया जाता है 585.8 मिलियन, जो US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह दोस्तों बता दें, राजपूत युवा यानी कि संगठन करनी सेना ने वीर की कड़ी आलोचना की और बता दें कि आरोप लगाया था कि संवाद के कुछ हिस्से राजपूत जो है समुदाय के लिए अपमानजनक और यहां पे आपत्तिजनक है, जिसकी वजह से समूह के सदस्यों ने जयपुर में कई जो है मल्टीप्लेक्स पर हमला किया, जिसके बाद दोस्तों पोस्टर तोड़ दिए गए और यहाँ पे खिड़कियाँ तोड़ दी गई। अनिल शर्मा ने जवाब दिया था कि ये एक जो है गलतफहमी थी और राजपूत जो है समुदाय के प्रति कोई भी अपमान का इरादा नहीं था फिल्म को बनाते समय। आइए दोस्तों अब यहाँ से बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों कहानी 1875 में वीर प्रताप सिंह यानी कि सलमान खान एक पिंडारी राजकुमार और उनके अलावा यहाँ पे महान जो पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह है जो मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र है, जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए अपनी महान लड़ाइयों के लिए जाने जाते थे। वीर माधव गंध के राजस्थानी जो साम्राज्य और शेष भारत को महान जो है अपनी वैश्विक शक्ति से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पे पिंडारियों के आंदोलन का नेतृत्व करके अपने पिता की विरासत को जारी रखना चाहते हैं। वीर को सेना जो है इकट्ठा करने में अपने छोटे भाई पुण्य सिंह यानी कि सुहेल खान की मदद मिलती है। हालांकि वीर को यहाँ पे माधवगढ़ के राजा ज्ञानेंद्र सिंह के साथ जो है जैकी श्रॉफ के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो वीर को माधवगढ़ और उसके अलावा यहाँ पे शासन के लिए खतरे के रूप में दिखाया गया है फिल्म के अंदर और वीर को मारने का आदेश देते हैं राजा। वीर और पुण्य अपने जो है समर्थकों के साथ राजस्थान के थार
रेगिस्तान में छिप जाते हैं, और जबकि सिंह यानी कि राजस्थान के ब्रिटिश जो है गवर्नर जेम्स फ्रेजर टीम जेम्स के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ जो है गठबंधन करते हैं और कहते हैं कि माधवगढ़ पिंडारी को यहां पे कुचलने में अंग्रेजों का समर्थन करेगा, जो आंदोलन और वीर को खत्म करना है। इसके बाद दोस्तों बता दें, दाव को ऊंचा रखने के लिए पिंडारी सिंह की बेटी राजकुमारी यशोधरा यानी कि जरीन खान का अपहरण कर लेते हैं, जिससे वीर खुद को जो है प्यार करने लगता है। फिर पिंडारियों ने अचानक जो है सिंह के महल को गिराने का असफल प्रयास किया। हालांकि सिंह के जासूसों को योजना का पता चल जाता है और इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। पता चलने के बाद हजारों पिंडारी योद्धा मारे जाते हैं। वीर भ्रष्ट राजा से बदला लेने में विफल रहा है, लेकिन जानता है कि यहाँ पे पुणे को यशोधरा के भाई जो है गजेंद्र पुरुराज कुमार ने पकड़ लिया है। जैसे ही वीर अपने भाई को बचाने और गजेंद्र के आदमियों को मारने के लिए दौड़ता है, उसके बाद वीरधारा यहाँ पे गजेंद्र को मार दिया जाता है अचानक से, जहाँ पे ज्ञानेंद्र ने यहाँ पे अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई। इस बीच दोस्तों जेम्स फ्रेजर की पत्नी जो है लेडी एंजेला फ्रेजर यानी कि लिसा लाजर के साथ अपने पति के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह पिंडारी आंदोलन के सदस्यों को मारने में दुष्ट राजा का समर्थन करता है। इसके बाद दोस्तों बता दें, फ्रेजर ने आंदोलन को कुचलने के अपने अभिनय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आगे लिखा गया है, जब वीर ने अपने पिता से वादा किया था कि वह सिंह को नष्ट कर देगा, तो वह यहाँ पे यशोधरा के यहाँ पे शव यौवन में प्रवेश कर लेता है। जैसे ही वह राजकुमारी को किले से दूर लेकर जाता है तो देखने को मिलता है ज्ञानेंद्र सिंह अपने किले के चारों ओर जो है पिंडारियों की एक विशाल सेना देखते हैं। वह अंग्रेजों से उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देते हैं और यहाँ पे माधवगढ़ से भागने के लिए यहाँ पे पिंडारी को अपना सहयोगी बना लेते हैं। अंग्रेजों के जाने से पहले एक लड़ाई होती है, जिसमें गवर्नर जो है फ्रेजर और ज्ञानेंद्र सिंह मारे जाते हैं। गोली लगने से घायल वीर अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। वर्षों बाद वीर के बेटे यानी कि वीरा सलमान खान और पृथ्वी के बीच जो है क्रेडिट रोल के दौरान एक दोस्ताना साझा होते हुए दिखाया जाता है फिल्म के अंत में। तो दोस्तों ये कहानी वीर फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसे साल 2010 में रिलीज किया गया था। 2010 में रिलीज हुआ और ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। कहानी 1985 के दशक में पिंडारियों योद्धा और कबीले के एक देशभक्ति वीर जो है प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जो है प्रेम कहानी पूरी कर सके, उसे अपनी जो मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इस चीज के लिए रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अब इस बात पर दोस्तों किसी को कोई जो शक नहीं है कि सलमान खान एक कुलीन वीर है, क्योंकि दबे हुए अतीत से एक जो है विस्फोटक उठकर उसे एक ऐसे युग में प्रस्तुत करने के लिए बहुत जो है साहस की आवश्यकता होती है। जब हर कोई बॉलीवुड में एक बिल्कुल नई कहानी बताने के लिए यहाँ पे कृति संकल्प करता है, तब बेशक दोस्तों बता दे लगान और यहाँ पे जोधा अकबर जैसी फिल्में जो यहाँ पे नौ सिख या दर्शकों को भी यहाँ पे प्रभावित करने में कामयाब रही, लेकिन वह नियम के अपवाद की तरह थी। जब दोस्तों बता दे आधुनिक जो है भारतीय सिनेमा के बारे में हम बात कर ले तो भारतीय सिनेमा गीत और यहाँ पे साहित्य के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे साहित्य की बात यह है कि कुल मिलाकर यहाँ पे षड्यंत्रकारी जो है ब्रितानियों और उनकी भारत जो है यहाँ पे हड़पने की कहानी को रचनात्मक जो है डिब्बे तक ही सीमित कर दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर ले तो TNN अपडेट ने 11 में से इस मूवी को 2016 में अच्छा रेटिंग किया था, और कहानी के बारे में लिखा है कि 1950 के दशक में पिंडारी योद्धा कबीले के एक देशभक्त वीर को प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रेम कहानी पूरी कर सके, उसे अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी जो है दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों अब इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है कि सलमान खान एक योद्धा के रूप में फिल्म में अभिनय करते हैं और रियल लाइफ में भी एक योद्धा की तरह सलमान खान दिखते हैं। इसी तरह दोस्तों इसीलिए सलमान खान की वीर का महत्व यह है, जो कि एक तरह के सिनेमा का जश्न मनाती है, जो जल्द ही देसी फिल्म विद्या से
विद्या से विलुप्त हो सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसे नायक का प्रदर्शन करने का साहस नहीं करेगा जो अपने जो है प्रतिद्वंदी के शरीर से पांच जो है शेर भूत पांच उनके अलावा दोस्तों बता दें किलोग्राम मांस को पंजे से काट ले। यहाँ तक दोस्तों यहाँ पे अत्यंत प्रसन्न के साथ उसकी आंतों को बाहर निकाल दे। ये हमारे वीर की कुछ छोटी मोटी यानी कि शैतानी हरकतें हैं जिनमें टूटे हुए पैर के साथ जो है नृत्य करना, तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में ब्रोच करना जैसा है और यहाँ पे उछलना हाथ और मिलाते समय हाथ जो है खींचना जैसा है। इसी तरह दोस्तों केवल जो है मुट्ठी और यहाँ पे तलवार से पूरी सेना को खत्म करने की प्रतिज्ञा करना शामिल है। आपको बता दें लेकिन है आप एक बड़े से बड़े जो है चरित्र के साथ क्या कर सकते हैं ये भी दिखाया गया। जब उसके पास उसके लिए कोई जो है बड़ा से बड़ा कारण नहीं बताया गया है तो जब वो यानी कि अशांत समय में 1857 में कोई जो है बहाना ढूंढने की सख्त यानी कि कोशिश कर रहा होता है तो आप बस उसकी जो है अराजकता बकवास के दौरान उसका जो है अनुसरण करते हैं। हम वास्तव में कभी नहीं जान पाते हैं कि ये जो है बहादुर पिंडारी योद्धा वास्तव में क्या चाहता है और क्या यानी कि धोखेबाज राजा जयकिश श्रॉफ के हाथों अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती के अपमान का बदला लेना चाहता है या नहीं, जिसने अपनी भूमिका के योद्धा अपनी भूमि के योद्धा जो है जनजाति को धोखा दिया था। क्या वह आत्मघाती ब्रिटिश राजा का अंत करना चाहते हैं या क्या वह बस यानी कि उस खूबसूरत जो है राजकुमारी जरीन खान के साथ गाना और डांस करना चाहते हैं जो उसके दुश्मन की बेटी है। ये कहानी में आपको थोड़ा सा उलझन पैदा जरूर होता है लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिल्म के अंदर एक अच्छी कहानी थी जिसकी वजह से ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये मूवी सलमान खान की थी जिसकी वजह से ये मूवी इतना ठीक ठाक कमाई कर पाया क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी खास नहीं थी बताया गया है। इसी तरह दोस्तों एक महान नायक का बेटा, नायक यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का बेटा बड़ा होता है और अपने पिता के नक्श कदम पर चलने का प्रयास करता है। भले ही यह रास्ता कितना भी आपत्तिजनक और यहाँ पे रक्ति पिपासु क्यों ना हो, यह मानक जो है बॉलीवुड घिसी पिटी बात को लेकर आया लेकिन दोस्तों बदला दे हमारे सबसे प्रतिष्ठित पद का था लेखकों में से एक सलीम खान के बेटे सलमान खान से बेहतर जो यहाँ पे श्रद्धांजलि के पात्र है जिन्हें फिल्म की कहानी के लिए श्रेय दिया जाता है जो इस अविश्वसनीय अवधि की अपदा का मंथन करती है। निर्देशक यानी कि अनिल शर्मा को कभी भी उनकी जो है यहाँ पे सुक्षमता के लिए नहीं जाना जाता है और यहाँ जो है दर्द भरी यहाँ पे मेलोड्रामेटिक जो है स्क्रिप्ट में अपने दांते गड़ाते हुए एक के बाद एक जो है यहाँ पे एक के बाद एक जो है मेगा बजट की जो है गलतियाँ करते हुए हथौरे और यहाँ पे चीमेट से काम करता है। इसी तरह दोस्तों बतला दें 19वीं सदी में यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है स्थापित ये एक योद्धा कबीले के साथ जो है पिंडार युग की कहानी है जो एक जो है भाड़े का सैनिक है जो राजस्थान के माधवगढ़ के राजा के कट्टर जो है दुश्मन बन जाता है क्योंकि बाद में राजा ने उन्हें धोखा दिया था और एक पूर्ण पिंडारी के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया था। यह सब वीर के पहले कुछ जो है मिनटों में होता है जहां मिथुन का पिंडारी जो है सर यानी कि सर्जेट जो है प्रस्ताव में ही किंग यानी कि जयकिश श्रॉफ का हाथ काट दिया जाता है। इसलिए दोस्तों जब जो आपको एहसास होता है कि ये एक शोर शराबे से भरा हुआ जो है राक्षसी होने वाला है तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि दीवार से दीवार तक जो है कार्रवाई ऐसा भाग्य नहीं है। मिथुन के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन के घर एक बेटे का जन्म हुआ फिल्म में और वह बच्चे को यहाँ पे स्पार्टन की तरह जो है सख्त बनाना चाहते हुए उसे जो है बारिश में ले जाते हैं। ये लड़का बड़ा होकर वीर बनता है इसका अर्थ है कि घोड़े पर सवार सलमान खान यानी कि जनजातीय योद्धाओं की तरह ही कपड़े पहने हुए जो है यानी कि आई लाइनर के साथ जो है चमकते हुए दिखाई देते जो कि पैंट उनके अलावा काउबॉय जूते और एक जो है पोचो पहने हुए दिखाई देते हैं और ये एक अच्छा हिस्सा था फिल्म में। आपको जल्द ही इसका एहसास होता है कि जब आप जो है असहाय होकर बैठ जाते हैं तो फिल्म आपकी जो है संवेदनाओं को नष्ट कर देती है। सलमान को एक गोरी राजकुमारी से प्यार हो जाता है। वह पढ़ाई के लिए यहाँ पे इंग्लैंड चला जाता है यहाँ पे DDLJ करने के लिए वापस आता है और उसका हाथ जीत लेता है। जाहिर तौर पर बिना ज़्यादा खून बहाए जो है जानबूझकर कम से कम जो है काम किया जाता है और इस सब के बीच में एक जो है संगीत में ब्रोच और उनके अलावा भयानक जो अंग्रेजी मेलाक्री से भरा हुआ एक गीत है जो आँखों और दिल और
आत्माओं के बारे में कुछ जो है बकवास है, जो कि यहाँ पे इच्छा अनुसार हम पर हमला करता है। और दोस्तों बता दें, यहाँ पे छत जो है छिटपुट रूप से और भी सुखद रूप से काम करता है इस फिल्म के अंदर, जहाँ दोस्तों हमें देखने को मिला है। पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो पहला भाग फिल्म का आश्चर्यजनक है, क्योंकि बैंड में तोड़ने के माध्यम से सजा देने की यहाँ पे कुख्यात प्राणी पर आधारित है, और जो कि एक छोटे हुए यानी कि भरे अंग्रेजी बनाकर जो उन्हें तोड़ने के रणनीति के प्रयास का एक संक्षिप्त उल्लेख है, लेकिन सब ठीक लगता है इस फिल्म के अंदर कहानी भी। इसी तरह दोस्तों इस फिल्म की अवधि को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने के लिए विशेष रूप से फिल्म के कॉस्ट्यूमर अन्ना सिंह की ओर भी आलोचना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सलमान जो है सफ़ेद जो है निपैड के साथ है, फिकी जो है नारंगी जींस पहने हुए हैं, और यहाँ पे दोस्तों बख्तर बन जो है ब्रेस्ट प्ले के साथ जो अक्षर जो है रबर से बने होते हैं, जो पहनने वाले हाफ और यहाँ पे पॉफ के रूप में आकार जो है बदलता है। जाहिर तौर पर कुछ भी यानी कि हो सकता है। फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई गई है और आप जो है सेकेंडो अतिरिक्त जो है कलाकारों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कोई यानी कि मायने नहीं रखता है, और वह सब कुछ जो है यहाँ पे सलमान ही करते हैं, जो इस फिल्म को आगे बढ़ावा देने के लिए अपने संवेदनशील जो है ब्रेड के साथ स्टार व्यक्तित्व के हर जो है अंश को यहाँ पे भुनाते हैं, जहाँ पे उसका श्रेय जाता है। और कम से कम दोस्तों बता दें, पहले घंटे के लिए पसंद करने योग्य है, जो कि यहाँ पे अधिकांश से अधिक हो सकता है। ये इतनी जो है पुरानी फिल्म है कि दुख होता है कि कल्पना जो है कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मनमोहन देसाई के यहाँ पे अत्याचारी मर्द की, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टर जो है देसाई या फिर मिस्टर यानी कि बच्चन को छोड़कर हाँ वह बुरा है, लेकिन बेशक आपको बता दें संभावित जो है रूप से क्लासिक जो है ड्रिंकिंग गेम के रूप में शायद ये यानी कि योग्यताएं वीर को बॉक्स ऑफिस पर हिट का दर्जा सुनिश्चित करेंगी। लेकिन दोस्तों अगर ये फिल्म जो है सफल होती तो हम सभी को थोड़ा जो है चिंतित होना चाहिए था, क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी ज़्यादा खास नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिर भी ये मूवी 2010 में रिलीज हुई 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन चक्रवर्ती है, सुहेल खान है जो वीर के छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं सुहेल खान, और दोस्तों जैकी श्रॉफ को अब एक जो है यहाँ पे सुनहरी बाह में लिपटे हुए दिखाया गया, जो एक जो है यहाँ पे कार्ड जज में जो है गुलशन ग्रोवर की याद दिलाता है, जो किसी अज्ञात कारण से विज्ञापन जो है पुरुष और उनके अलावा सामयिक अभिनेता भरत जो है ढाबोलकर मिथुन के सन में यहाँ पे संवाद दाहिन जो है यानी कि चमकते हुए दिखाया गया। फिर दोस्तों जरीन खान है जो कि यहाँ पे इमिरेटर्स की एक जो है मजबूत यहाँ पे परिचारिका की तरह दिखती है, जो वीर की पसंद को पकड़ती और यहाँ पे मुंह बनाने की कोशिश करती हुई घूमती हुई दिखाई देती है। जबकि नीना गुप्ता जो वीर की माँ का किरदार निभाती है उनको देखने लायक है फिल्म में, क्योंकि मिथुन पर इतनी मोहित हो जाती है कि ये जोड़ी खुशी से झूमते हुए पिंडारी दर्शकों से प्यार करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म को, जिसका नाम है वीर। तो दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, और आपको ये मूवी देखना है तो ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिलेगा इसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं वीर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों वीर मूवी साल 2010 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य एक्शन फिल्म है, जो सलमान खान की कहानी पर अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है। इसी के साथ दोस्तों बता दें इसमें सलमान खान, उनकिला मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, जरीन खान, सुहेल खान और इस फिल्म में ऋषभ जैन अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए थे 2010 में। इसी के साथ दोस्तों बात करें वीर फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी 20 साल पहले सलमान खान ने लिखी थी, जिन्होंने इसे अपना जो है ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया था सलमान खान ने। इसी के साथ दोस्तों उस समय सलमान खान ने फिल्म का निर्देशन स्वयं करने और संजय दत्त को
मुख्य भूमिका में लेने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के अंदर संजय दत्त को मुख्य भूमिका में लेने की योजना बनाई थी। इसके बाद दोस्तों वीर आंशिक रूप से निकोलाई गोगेल के रूप में उपन्यास जो है तराश बोलबा पर भी आधारित है बताया जाता है। और इसी तरह दोस्तों वीर की भूमिका के लिए सलमान खान ने एक विशेष आहार लिया और एक निजी जो प्रशिक्षक के साथ जो है कसरत की थी फिल्म के लिए। इसी तरह दोस्तों बताया गया कि 19वीं सदी की राजकुमारी की भूमिका के लिए जरीन खान ने 8 किलो अतिरिक्त वजन भी बढ़ाया था फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसी तरह दोस्तों वीर फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी 1 दिसंबर 2008 को शुरू हुई थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को मूल रूप से पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज में शूट किया गया था, लेकिन दोस्तों बता दें स्वाइन फ्लू के प्रकोप के कारण जो है स्थानों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसके वजह से अन्य लोकेशंस पर शूटिंग जयपुर और उसके अलावा बीकानेर में हुई थी। जयपुर के आमेर किले में यहां पे शूट किया गया था, जिसकी वजह से लोकेशन शूटिंग भी बाधित हुई और जब जो है कई दर्शक जो है घायल हो गए तब यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्मांकन रोकने का आदेश दिया। इसी तरह दोस्तों फिल्म क्रूर पर किले को नुकसान पहुंचाने की कई जो है संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने और यहां पे संरचना की 500 साल जो पुरानी छत को जो है ढहाने का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों अनिल शर्मा के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। क्रूर ने रुपए का भुगतान करने के बाद अपनी शूटिंग पूरी की, जो 2 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद दोस्तों बता दे रोचेस्टर कैसल, हर बार जो है जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपना जो है स्वर्ग दिखता है, ये डायलॉग्स काफी शानदार है। इसी नामक एक संगीत जो है अनुक्रम की पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया गया था, जिसमें एक घोड़ा और गाड़ी दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों बता दे चैथम जो है यहाँ पे डोकियार्ट ने यूके नृत्य के साथ जो है अनुक्रमों में उपयोग किए जाने वाले कई जो है एंसेंबल शॉट्स के साथ साथ वह स्थान भी प्रदान किया गया जहां वीर पहली बार युवराजी यशोधरा से मिलते हैं। 23 जनवरी 2010 को बताते लेखक जो है पवन चौधरी ने खान, अनिल शर्मा और निर्माता विजय कुमार के साथ जो है गलानी के खिलाफ 2 मिलियन का मुकदमा आरोप लगाया था कि फिल्म ने उनके उपन्यास जो है यहाँ पे ट्री लॉन्जी ऑफ जो है बीज डॉम तत्व उधार लिया है, जिसकी वजह से मुकदमे में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की गई थी। जी हाँ दोस्तों 2010 में। इसी तरह दोस्तों बताया गया है वीर का ट्रेलर 27 नवंबर 2009 को प्रिया दर्शन की फिल्म दे दना दन की स्क्रीनिंग पर जारी की गई थी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की आम तौर पर जो समीक्षकों द्वारा निंदा किया गया था, निंदा ये की गई थी कि तरण आदर्श ने फिल्म के लेखन और निर्देशन की आलोचना करते हुए इसे भारी निराशा बताया था। इसी तरह दोस्तों CNN IBN के राजीव मंसद ने सलमान खान के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सहायक कलाकारों के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे सराहना के लिए एक संभव फिल्म कहा। इसके बाद दोस्तों गौरव ने भी इसको रिव्यू किया। गौरव मलानी ने कहानी को औसत बताते हुए सलमान खान के अभिनय की सराहना की। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को OL.com की तरफ से नोयोन ज्योति परसारा ने भी सलमान खान की प्रशंसा की, लेकिन कहा था कि कुल मिलाकर वीर के अपने जो है फायदे हैं। लेखक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी खुद की बात यही कि ये एक बहुत ही औसत फिल्म तक ही सीमित है और इसमें जो कुछ भी नया नहीं है और ये केवल इसे धीमा बनाता है। इसी तरह दोस्तों अमेरिकी आलोचक के बीच फिल्म जो है जर्नल इंटरनेशनल के फ्रैंक लेवेस ने इसे जो है उच्चतम स्तर का हुकुम कहा। पिछले कई भारतीय आयातों के सबसे जो है उत्साहपूर्ण संगीत दृश्यों के साथ जो है विरामित के रूप में आनंद लिया था, ये बताया गया। और दोस्तों फिल्म के कई ऐतिहासिक और यहाँ पे कलानुक्रमिक जो है यहाँ पे भ्रांतियों को विश्लेषण करने के बाद कहा। जहाँ पे स्टेट साइड के बारे में हम बात कर ले तो स्टेट साइड जो है बॉलीवुड आधुनिक जो है समय के संगीत में रोमांस से फिर जो स्टाइलिश जो है क्राइम थ्रिलर के अधिक जो है आदि प्रशंसकों को एक पीरियड पीस पाकर जो है यहाँ पे सुखद आश्चर्य होगा, जो एक पैसेज टू इंडिया की तुलना में जेना वॉरियर के साथ जो है प्रेजेंस से अधिक होता है बताया गया। इसके बाद दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि ईरोज के अनुसार वीर ने भारत में अपने पहले हफ्ते में 410 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई किया। वीर ने भारत में जीवन काल में 375.2 मिलियन से अधिक की कमाई किया, कुल मिला के 497.5 मिलियन रुपए की कमाई की।
और ये 2010 में घरेलू स्तर पर 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। बीर की दुनिया भर में कुल कमाई बताया जाता है 585.8 मिलियन, जो US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो काफी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह दोस्तों बता दें, राजपूत युवा यानी कि संगठन करणी सेना ने बीर की कड़ी आलोचना की और बता दें कि आरोप लगाया था कि संवाद के कुछ हिस्से राजपूत जो है समुदाय के लिए अपमानजनक और यहां पे आपत्तिजनक है, जिसकी वजह से समूह के सदस्यों ने जयपुर में कई जो है मल्टीप्लेक्स पर हमला किया, जिसके बाद दोस्तों पोस्टर तोड़ दिए गए और यहाँ पे खिड़कियां तोड़ दी गई। अनिल शर्मा ने जवाब दिया था कि ये एक जो है गलत फहमी थी और राजपूत जो है समुदाय के प्रति कोई भी अपमान का इरादा नहीं था फिल्म को बनाते समय। आइए दोस्तों अब यहाँ से बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों कहानी 1875 में वीर प्रताप सिंह यानी कि सलमान खान एक पिंडारी राजकुमार और उनके अलावा यहाँ पे महान जो पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह है, जो मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र है, जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए अपनी महान लड़ाइयों के लिए जाने जाते थे। वीर माधव गंध के राजस्थानी जो साम्राज्य और शेष भारत को महान जो है अपनी वैश्विक शक्ति से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पे पिंडारियों के आंदोलन का नेतृत्व करके अपने पिता की विरासत को जारी रखना चाहते हैं। वीर को सेना जो है इकट्ठा करने में अपने छोटे भाई पुण्य सिंह यानी कि सुहेल खान की मदद मिलती है। हालांकि वीर को यहाँ पे माधवगढ़ के राजा ज्ञानेंद्र सिंह के साथ जो है जैकी श्रॉफ के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो वीर को माधवगढ़ और उसके अलावा यहाँ पे शासन के लिए खतरे के रूप में दिखाया गया है फिल्म के अंदर, और वीर को मारने का आदेश देते हैं राजा। वीर और पुण्य अपने जो है समर्थकों के साथ राजस्थान के थार रेगिस्तान में छिप जाते हैं, और जबकि सिंह यानी कि राजस्थान के ब्रिटिश जो है गवर्नर जेम्स फ्रेजर टीम जेम्स के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ जो है गठबंधन करते हैं और कहते हैं कि माधवगढ़ पिंडारी को यहां पे कुचलने में अंग्रेजों का समर्थन करेगा, जो आंदोलन और वीर को खत्म करना है। इसके बाद दोस्तों बता दें, दाव को ऊंचा रखने के लिए पिंडारी सिंह की बेटी राजकुमारी यशोधरा यानी कि जरीन खान का अपहरण कर लेते हैं, जिससे वीर खुद को जो है प्यार करने लगता है। फिर पिंडारियों ने अचानक जो है सिंह के महल को गिराने का असफल प्रयास किया। हालांकि सिंह के जासूसों को योजना का पता चल जाता है और इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। पता चलने के बाद हजारों पिंडारी योद्धा मारे जाते हैं। वीर भ्रष्ट राजा से बदला लेने में विफल रहा है, लेकिन जानता है कि यहाँ पे पुणे को यशोधरा के भाई जो है गजेंद्र पुरुराज कुमार ने पकड़ लिया है। जैसे ही वीर अपने भाई को बचाने और गजेंद्र के आदमियों को मारने के लिए दौड़ता है, उसके बाद वीरधारा यहाँ पे गजेंद्र को मार दिया जाता है अचानक से, जहाँ पे ज्ञानेंद्र ने यहाँ पे अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई। इस बीच दोस्तों जेम्स फ्रेजर की पत्नी जो है लेडी एंजेला फ्रेजर यानी कि लिसा लाजर के साथ अपने पति के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह पिंडारी आंदोलन के सदस्यों को मारने में दुष्ट राजा का समर्थन करता है। इसके बाद दोस्तों बता दें, फ्रेजर ने आंदोलन को कुचलने के अपने अभिनय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आगे लिखा गया है, जब वीर ने अपने पिता से वादा किया था कि वह सिंह को नष्ट कर देगा, तो वह यहाँ पे यशोधरा के यहाँ पे शव यौवन में प्रवेश कर लेता है। जैसे ही वह राजकुमारी को किले से दूर लेकर जाता है तो देखने को मिलता है ज्ञानेंद्र सिंह अपने किले के चारों ओर जो है पिंडारियों की एक विशाल सेना देखते हैं। वह अंग्रेजों से उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देते हैं और यहाँ पे माधवगढ़ से भागने के लिए यहाँ पे पिंडारी को अपना सहयोगी बना लेते हैं। अंग्रेजों के जाने से पहले एक लड़ाई होती है, जिसमें गवर्नर जो है फ्रेजर और ज्ञानेंद्र सिंह मारे जाते हैं। गोली लगने से घायल वीर अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। वर्षों बाद वीर के बेटे यानी कि वीरा सलमान खान और पृथ्वी के बीच जो है क्रेडिट रोल के दौरान एक दोस्ताना साझा होते हुए दिखाया जाता है फिल्म के अंत में। तो दोस्तों ये कहानी वीर फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसे साल 2010 में रिलीज किया गया था। 2010 में रिलीज हुआ और ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। कहानी 1985 के दशक में पिंडारियों योद्धा और कबीले के एक देशभक्ति वीर जो है प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जो है प्रेम कहानी पूरी कर सके, उसे अपनी जो है मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इस चीज के लिए रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अब इस बार
अब इस बात पर दोस्तों किसी को कोई जो शक नहीं है कि सलमान खान एक कुलीन वीर है, क्योंकि दबे हुए अतीत से एक जो है विस्फोटक उठकर उसे एक ऐसे युग में प्रस्तुत करने के लिए बहुत जो है साहस की आवश्यकता होती है। जब हर कोई बॉलीवुड में एक बिल्कुल नई कहानी बताने के लिए यहाँ पे कृति संकल्प करता है, तब बेशक दोस्तों बता दे लगान और यहाँ पे जोधा अकबर जैसी फिल्में जो यहाँ पे नौसिख या दर्शकों को भी यहाँ पे प्रभावित करने में कामयाब रही, लेकिन वह नियम के अपवाद की तरह थी। जब दोस्तों बता दे आधुनिक जो है भारतीय सिनेमा के बारे में हम बात कर ले तो भारतीय सिनेमा गीत और यहाँ पे साहित्य के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे साहित्य की बात ये है कि कुल मिलाकर यहाँ पे षड्यंत्रकारी जो है ब्रितानियों और उनकी भारत जो है यहाँ पे हड़पने की कहानी को रचनात्मक जो है डिब्बे तक ही सीमित कर दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर ले तो TNN अपडेट ने 11 में से इस मूवी को 2016 में अच्छा रेटिंग किया था और कहानी के बारे में लिखा है कि 1950 के दशक में पिंडारी योद्धा कबीले के एक देशभक्त वीर को प्रतिद्वंदी कबीले की बेटी राजकुमारी यशोधरा से प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रेम कहानी पूरी कर सके उसे अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। इसके आंतरिक और बाहरी जो है दुश्मनों से लाठी और तलवार से लड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों अब इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है कि सलमान खान एक योद्धा के रूप में फिल्म में अभिनय करते हैं और रियल लाइफ में भी एक योद्धा की तरह सलमान खान दिखते हैं। इसी तरह दोस्तों इसीलिए सलमान खान की वीर का महत्व यह है जो कि एक तरह के सिनेमा का जश्न मनाती है जो जल्द ही देसी फिल्म विद्या से विलुप्त हो सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसे नायक का प्रदर्शन करने का साहस नहीं करेगा जो अपने जो है प्रतिद्वंदी के शरीर से पांच जो है शेर भूत पांच इनकिलाव दोस्तों बता दें किलोग्राम मांस को पंजे से काट ले, यहाँ तक दोस्तों यहाँ पे अत्यंत प्रश्नान के साथ उसकी आंतों को बाहर निकाल दे। ये हमारे वीर की कुछ छोटी मोटी यानी कि शैतानी हरकतें हैं जिनमें टूटे हुए पैर के साथ जो है नृत्य करना, तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में ब्रोच करना जैसा है और यहाँ पे उछलना हाथ और मिलाते समय हाथ जो है खींचना जैसा है। इसी तरह दोस्तों केवल जो है मुट्ठी और यहाँ पे तलवार से पूरी सेना को खत्म करने की प्रतिज्ञा करना शामिल है। आपको बता दें लेकिन है आप एक बड़े से बड़े जो है चरित्र के साथ क्या कर सकते हैं ये भी दिखाया गया। जब उसके पास उसके लिए कोई जो है बड़ा से बड़ा कारण नहीं बताया गया है तो जब वो यानी कि अशांत समय में 1857 में कोई जो है बहाना ढूंढने की सख्त यानी कि कोशिश कर रहा होता है तो आप बस उसकी जो है अराजकता बकवास के दौरान उसका जो है अनुसरण करते हैं। हम वास्तव में कभी नहीं जान पाते हैं कि ये जो है बहादुर पिंडारी योद्धा वास्तव में क्या चाहता है और क्या यानी कि धोखेबाज राजा जयकिश श्रॉफ के हाथों अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती के अपमान का बदला लेना चाहता है या नहीं, जिसने अपनी भूमि के योद्धा जो है जनजाति को धोखा दिया था। क्या वह आत्मघाती ब्रिटिश राजा का अंत करना चाहते हैं या क्या वह बस यानी कि उस खूबसूरत जो है राजकुमारी जरीन खान के साथ गाना और डांस करना चाहते हैं जो उसके दुश्मन की बेटी है। ये कहानी में आपको थोड़ा सा उलझन पैदा जरूर होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिल्म के अंदर एक अच्छी कहानी थी जिसकी वजह से ये मूवी साल 2010 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये मूवी सलमान खान की थी जिसकी वजह से ये मूवी इतना ठीक ठाक कमाई कर पाया, क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी खास नहीं थी बताया गया है। इसी तरह दोस्तों एक महान नायक का बेटा, नायक यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का बेटा बड़ा होता है और अपने पिता के नक्श कदम पर चलने का प्रयास करता है, भले ही यह रास्ता कितना भी आपत्तिजनक और यहाँ पे रक्ति पिपासु क्यों ना हो। ये मानक जो है बॉलीवुड घिसी पिटी बात को लेकर आया, लेकिन दोस्तों बदला दे हमारे सबसे प्रतिष्ठित पद का था लेखकों में से एक सलीम खान के बेटे सलमान खान से बेहतर जो यहाँ पे श्रद्धांजलि के पात्र है, जिन्हें फिल्म की कहानी के लिए श्रेय दिया जाता है जो इस अविश्वसनीय अवधि की अपदा का मंथन करती है। निर्देशक यानी कि अनिल शर्मा को कभी भी उनकी जो है यहाँ पे सुक्षमता के लिए नहीं जाना जाता है और यहाँ जो है दर्द भरी यहाँ पे मेलोड्रामेटिक जो है स्क्रिप्ट में अपने दांते गड़ाते हुए एक के बाद एक जो है यहाँ पे एक के बाद एक जो है मेगा बजट की जो है गलतियाँ करते हुए हथौरे और यहाँ पे सीमेंट से काम करता है।
इसी तरह दोस्तों बतला दे 19वीं सदी में यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो स्थापित ये एक योद्धा कबीले के साथ जो है पिंडार युग की कहानी है, जो एक जो है भाड़े का सैनिक है जो राजस्थान के माधवगढ़ के राजा के कट्टर जो है दुश्मन बन जाता है, क्योंकि बाद में राजा ने उन्हें धोखा दिया था और एक पोर ने पिंडारी के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया था। ये सब वीर के पहले कुछ जो है मिनटों में होता है, जहां मिथुन का पिंडारी जो है सर यानी कि सार्जेट जो है प्रस्ताव में ही किंग यानी कि जेकी श्रॉफ का हाथ काट दिया जाता है। इसलिए दोस्तों जब जो है आपको एहसास होता है कि ये एक शोर शराबे से भरा हुआ जो है राक्षसी होने वाला है, तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि दीवार से दीवार तक जो है कार्रवाई, ऐसा भाग्य नहीं है। मिथुन के बारे में हम बात कर ले तो मिथुन के घर एक बेटे का जन्म हुआ फिल्म में, और वह बच्चे को यहाँ पे स्पार्टन की तरह जो है सख्त बनाना चाहते हुए उसे जो है बारिश में ले जाते हैं। ये लड़का बड़ा होकर वीर बनता है, जिसका अर्थ है कि घोड़े पर सवार सलमान खान यानी कि जनजातीय योद्धाओं की तरह ही कपड़े पहने हुए जो है यानी कि आई लाइनर के साथ जो है चमकते हुए दिखाई देते, जो कि पैंट उनके अलावा काउबॉय जूते और एक जो है पोंचो पहने हुए दिखाई देते हैं। और ये एक अच्छा हिस्सा था फिल्म में। आपको जल्द ही इसका एहसास होता है कि जब आप जो है असहाय होकर बैठ जाते हैं तो फिल्म आपकी जो है संवेदनाओं को नष्ट कर देती है। सलमान को एक गोरी राजकुमारी से प्यार हो जाता है, वह पढ़ाई के लिए यहाँ पे इंग्लैंड चला जाता है, यहाँ पे DDLG करने के लिए वापस आता है और उसका हाथ जीत लेता है। जाहिर तौर पर बिना ज़्यादा खून बहाए जो है जानबूझकर कम से कम जो है काम किया जाता है, और इस सब के बीच में एक जो है संगीत में ब्रोच और उनके अलावा भयानक जो अंग्रेजी मेलाक्री से भरा हुआ एक गीत है जो आंखों और दिल और आत्माओं के बारे में कुछ जो है बकवास है, जो कि यहाँ पे इच्छा अनुसार हम पर हमला करता है। और दोस्तों बतला दें यहाँ पे छत जो है छिटपुट रूप से और भी सुखद रूप से काम करता है इस फिल्म के अंदर, जहाँ दोस्तों हमें देखने को मिला है। पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो पहला भाग फिल्म का आश्चर्यजनक है, क्योंकि बैंड में तोड़ने के माध्यम से सजा देने की यहाँ पे कुख्यात प्राणी पर आधारित है, और जो कि एक छोटे हुए यानी कि भरे अंग्रेजी बनाकर जो उन्हें तोड़ने के रणनीति के प्रयास का एक संक्षिप्त उल्लेख है, लेकिन सब ठीक लगता है इस फिल्म के अंदर कहानी भी। इसी तरह दोस्तों इस फिल्म की अवधि को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने के लिए विशेष रूप से फिल्म के कॉस्ट्यूमर अन्ना सिंह की ओर भी आलोचना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सलमान जो है सफ़ेद जो है निपैड के साथ फीकी जो है नारंगी जींस पहने हुए हैं, और यहाँ पे दोस्तों बख्तर बन जो है ब्रेस्ट प्ले के साथ जो अक्सर जो है रबर से बने होते हैं, जो पहनने वाले हाफ और यहाँ पे पॉफ के रूप में आकार जो है बदलता है। जाहिर तौर पर कुछ भी यानी कि हो सकता है। फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई गई है और आप जो है सेकेंडो तो आज की इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है साल 2010 में रिलीज हुई सलमान खान की मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है वीर। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग भी वीर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को जनवरी 22, 2010 में हिंदी भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद दोस्तों फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना कि इस फिल्म को मिलना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस पूरी फिल्म को बनाने में 48 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर में लाइफ टाइम में 64 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म में सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, जरीन खान और सुहेल खान थे। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो अनिल शर्मा ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो सलमान खान द्वारा फिल्म की कहानी को लिखा गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।